Everybody in. How was your maths paper? पहले तो ये बताओ मेरे को मैथ्स पेपर कैसा गया आप लोग का ठीक है मैथ्स पेपर बताइए कैसा गया आप सबका ठीक है सभी लोग अपने चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट वी आर अबाउट टू स्टार्ट द रिविजन सेशन पर उसके पहले ये बता दो सभी के सभी की, की आपके मैथ्स के पेपर कैसे गई है आई होप की सबके मैथ्स के पेपर जो है बहुत बढ़िया तरीके से गया होगा एवरीबडी है इन योर एग्जाम्स बहुत लेंदी था ओके okay. बहुत लेंदी था ठीक है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बट पेपर ठीक गया इतना अच्छा नहीं हुआ ठीक है कोई बात नहीं कुछ कुछ पेपर्स अच्छे जाते हैं कुछ कुछ पेपर्स उतने अच्छे नहीं जाते हैं ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है बट अभी हमारा गोल जो है शुड नॉट बी द पोस्टमार्टम ऑफ द एग्जाम दैट इज ऑलरेडी गॉन बट हमें क्या शुरू करना है सर हमें शुरू करना है लास्ट प्रेपरेशन ऑफ द पेपर राइट या लास्ट प्रेपरेशन ये लास्ट पेपर की प्रेजेंटेशन एक्चुअली एंड आई होप की सभी लोग तैयार है सभी लोग जोश में आई नो आपने बहुत पढ़ाई कियाउंट्स की पेपर दी है उसके बाद आपने लॉ के पेपर दिए है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू बेसिकली यू नो स्टार्ट अगेन बट आई होप की अभी आप लोग बिल्कुल तैयार हो और मुझे आपकी तरफ से एनर्जी चाहिए बट बिफोर वी बिगिन ठीक है लेट्स लेट्स जस्ट ड्रीप डाउन दी एंटायर प्रोसेस सर हम लोग क्या करने वाले हैं सर अभी हम लोग जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिविजन स्टार्ट करेंगे हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो है रिविजन स्टार्ट करेंगे मैं काम करता हूँ ठीक है चैट्स जो है इसमें भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया होते रहे ठीक है कि किसी का अगर कुछ आ जाए जाएगी मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहे ठीक है कोई बात नहीं जितना भी पेपर अटेम्प्ट किया कोई दिक्कत की बात नहीं है लेट स्टार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं सर हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है रिविजन शुरू करने वाले हैं रिविजन शुरू करेंगे हम लोग ठीक है रिविजन स्टार्ट करेंगे आप लोग का टारगेट क्या है मैं एक लेवल तक आप लोग को रिविजन करवा दूंगा क्या ऐसी चीजें हैं जो दिमाग से निकल जाती है बेस्ड ऑन दैट आई विल ट्राई टू रिवाइज एंटायर पोर्शन जो कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में रहेगा वंस यू आर डन विथ माई पार्ट ठीक है वंस यू आर डन विथ माई पार्ट आपको क्या करना है सर आपको ठीक है आपको बीसीके का बीसीके का मेरा भी रिविजन डाला हुआ है आपका ठीक है बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक दिन पहले आप रिविजन बैठ के देखो ठीक है बीसीके का आप एटलीस्ट दो चैप्टर एटलीस्ट बोल रहा हूँ इससे ज्यादा कर लिए तो बहुत बढ़िया है वो करके सोएंगे आज ठीक है क्योंकि जितना आज कर लोगे ट्रस्ट मै प्रोसेस ठीक है जितना आज कर लोगे तो दो से ज्यादा कर पाते हो तो फैबुलस सब आता है जैसे आपने क्या कर दिया दो चैप्टर कर लिया और सोचो आधा चैप्टर और कर दिया ठीक है तो इस तरीके से आप लोग अपना प्लानिंग कर सकते हो उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपने जितना आज कर लिया आज आपको थकावट ज्यादा होगा आई एग्री ठीक है सब कुछ दिक्कत ज्यादा होगा आपको बट अगर आपने आज ज्यादा कर लिया ट्रस्ट में कल के लिए आप लोग के लिए आराम हो जाएगा प्रोसेस ठीक है तो करना है ताकि मेरा मोटा मोटी इकोनॉमिक्स के थ्रू आपका काम हो जाए बीसी का एटलीस्ट दो चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लो रात को सोते वक्त ठीक है और सोने से पहले ये चैप्टर का जो टारगेट दे रहा हूँ सभी के सभी चलो अभी ऑनलाइन कर रहे हैं चलो आगे जाके करेंगे जैसे भी होगा आप सभी लोग और कोई अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो लोग अभी व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करके नहीं रखे हैं अपने फ्रेंड्स लोग को एक बार फटाफट कॉल कर लो ताकि वो लोग अभी फटाफट ज्वाइन कर ले ठीक है ताकि हम लोग जो है प्रॉपरली रिविजन शुरू कर सके ठीक है सभी अपने दोस्तों को एक बार के लिए मैसेज ड्रॉप कर दो जो करना है करो ड्रॉप फटाफट अल गिव यू अ मिनट ठीक है एकदम फटाफट सबको बोल दो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया आई डोंट थिंक सो कि कई लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक

तो बेसिकली टेल योर फ्रेंड्स इनफॉर्म फ्रेंड्स दैट वीर अबाउट टू स्टार्ट आर रिवीजन ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन शुरू कर सके ठीक है ओके okay. ठीक है तब तक मैं एक इंट्रो चला देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए ठीक है आई होप एवरीबडी हैज कम इन आप सबने इन्फॉर्म कर दिया होगा एंड लेट्स स्टार्ट वेरी वेल ठीक है लेट्स स्टार्ट वेरी वेल एंड लेट्स डू इट ठीक है हम लोग सर चैप्टर्स कौन सा कौन सा स्टार्ट करेंगे सर सबसे पहले हम लोग वो चैप्टर में दम लगाएंगे जिस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा डर लगता है बट हमारे हमारे बच्चे जो है बहुत कॉन्फिडेंट है विच इज अबाउट मार्केट्स मार्केट्स को अब हम लोग इन डेप्थ नहीं करेंगे मैं आपको फटाफट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मार्केट्स के उसके कवर अप कराऊंगा ताकि आपका मार्केट्स जो है एक बार के लिए फ्रेशन अप हो जाए एवरीबडी आउट योर बुक्स बी रेडी विथ योर पेपर एंड पेन मुझे फुल अटेंशन चाहिए आपका पहले मैं वो लोग कंफर्म कर दो एक बार के लिए कि सभी लोग रेडी है या नहीं तैयार है या नहीं अपने पानी की बॉटल वॉटल सब कुछ खाने पीने का सामान जो है बगल में रखा हुआ है यानी ताकि वी कैन बिगिन आवर स्टोरी लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन ओके गिव मी अ थम्स अप अगेन फटाफट मुझे बताइएगा एक बार कि मुझे दिख तो नहीं रहा अभी फिलहाल बट स्टिल ओके गिव मी थम्स अप इनिशियली ताकि मैं शुरू कर सकूं ठीक है ठीक है अब मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं सर मार्केट का मतलब क्या था सर मार्केट इज अ कॉमन प्लेस वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर बायर्स एंड सेलर्स जिस पॉइंट में इंटरैक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर मार्केट बोलते हैं ठीक है यानी कि सर ऐसा कोई जगह जहां पे मनी वैल्यू इन जनरल इज अचीव इज नोन एज वर्ड मार्केट बोलते हैं उसको सर इसमें दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ठीक है सर एकदम अभी ब्रीशर कर रहा हूं अगर बीच में कोई भी डाउट आ जाए तो मुझे आप चैट में डाल दीजिएगा तो मैं उसको अकॉर्डिंगली जो है आंसर कर दूंगा सर एक था वैल्यू इन यूज और एक था वैल्यू इन एक्सचेंज ठीक है मार्केट्स के अंदर ही हमारे को दो कॉन्सेप्ट समझना था दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था किसके बारे में वैल्यू इन यूज के बारे में दूसरा किसके बारे में था अबाउट वैल्यू इन एक्सचेंज के बारे में सर वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है सर वैल्यू इन यूज का मतलब है कि ऐसा कोई चीज जो कि हमें यूजफुलनेस या फिर यूटिलिटी दे ठीक है जिसके पास एट्रीब्यूट है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज हर टाइप का एक मार्क का सवाल को अभी कवर करना जरूरी है आई विल ऑलवेज होप कि आप लोग जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी भी रिविजन मेरे साथ में हो जाए ठीक है तो आप लोग चैट में पुरा

इकोनॉमिक्स में किसमें कंसर्न है सर एक्सचेंज वैल्यू में हम ज्यादा कंसर्न है सही बात है बिल्कुल यहाँ पे सर ठीक है और मार्केट्स जो है फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है इसीलिए वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स मैं जो टॉपिक्स बहुत सिंपल है उस पर डोंट माइंड बट मैं फटाफट स्किप करते करते जाऊंगा या फिर फटाफट ब्रश ओवर करके जाऊंगा ताकि आप लोग जो है फटाफट मेरे साथ में पढ़ सको ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स याद है आप लोगों को सर मैं डायरेक्टली जाता हूं ऑन द बेसिस सर कई सारे बेसिस दिए हुए थे उसमें से सबसे पहला बेसिस जिसमें क्लासिफिकेशन करना है अपने को मार्केट्स में वो कौन सा है सर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वट सर ज्योग्राफिकल लोकेशन सर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वी हैव लोकल मार्केट्स वी हैव रीजनल मार्केट्स वी हैव नेशनल मार्केट्स वी हैव इंटरनेशनल मार्केट्स ठीक है सर लोकल मार्केट्स क्या विद इन द स्टेट अगर हम लोग बेच रहे हैं रीजनल क्या है आपस में आसपास के सिटीज में अगर बेच रहे हैं तो उसको हम रीजनल मार्केट्स बोलते है, सर, अलग -अलग हैं नेशनल मार्केट क्या है सर अलग अलग स्टेट्स में हम लोग सामान बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट क्या है सर इंटरनेशनल मार्केट वो है जहां पे हमें टेंशन जगह का नहीं है सर हर कंट्री हमारे लिए एक बाजार है उसे हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स कहते हैं सर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सर सबसे पहला वेरी शॉर्ट पीरियड सर वो सामान जिसका लाइफ काफी कम होता है वो सामान जिसका लाइफ काफी कम होता है उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हम लोग उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं एज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट सर इसमें क्योंकि सामान जिसमें डील कर रहे हैं हम लोग मार्केट में उसकी लाइफ काफी लिमिटेड होती है इसलिए सप्लाई क्या रहता है आपका सर सप्लाई बिल्कुल फिक्स रहता है हम लोग उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज ईजिली नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर क्योंकि सामान का लाइफ कम है तो उसका हम लोग जो डिमांड जो उसका सप्लाई है बेसिकली सॉरी डिमांड होने के बावजूद भी हम लोग उसका सप्लाई जो है उसको तुरंत इंक्रीज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो सर इसीलिए हमने देखा था सर ये सप्लाई कर हमने बनाया था इट वॉज पैरल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज इन द वेरी शॉर्ट मार्केट वी के नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई सर द शॉर्ट पीरियड क्या होता है सर इसमें क्या होता है कि सर वेरी शॉर्ट से हल्का सा जो सामान का लाइफ है वो ज्यादा है इसलिए हम लोग हल्का पुल्का जो है हल्का पुल्का अपना सप्लाई ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर देंगे बट थोड़ा थोड़ा पहले ऊपर वाले केस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था बट इस वाले केस में हल्का पुल्का ही सही पॉसिबल तो है सर लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या है लॉन्ग पीरियड मार्केट वो है सर जहां पे हमें क्या करना है हमें जो है अच्छा खासा टाइम मिल रहा है ठीक है, है, तो हम आराम से अपना स्केल ऑफ़ प्रोडक्शन जो है, जिस स्केल में हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं सर ऊपर वाले केसेस में हमारा सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन था ठीक है ऊपर दोनों वाले केसेस में क्या था सर आपके सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन था ठीक है वन सेकेंड शायद कुछ हाँ ठीक है सॉरी तो मुझे बताइएगा एक बार के लिए कि लॉन्ग पीरियड में लॉन्ग पीरियड में क्या शॉर्ट पीरियड एंड वेरी शॉर्ट पीरियड जो था उस उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था सप्लाई में बट इन द केस ऑफ लॉन्ग पीरियड आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है आप लोग स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरी लॉन्ग में क्या है सर सर वेरी लॉन्ग पीरियड में डॉ डेफिनेट सब आता है क्योंकि पीरियड बहुत लंबा है हम लोग काफ़ी लंबा डील के हिसाब से कर रहे हैं हमें सब कुछ कंसिडर करना है सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि सर पॉपुलेशन क्या है सप्लाई चेन क्या है रॉ मेटेरियल कहाँ से आ रहा है बिकॉज ये डिसीजन लॉन्ग टर्म है ओके okay, सर चलो ये हो गया सर तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दो टाइप का मार्केट था स्पॉट मार्केट एंड द फॉरवर्ड मार्केट ये आप लोग को आता है अबीच का अबीच स्पॉट मार्केट आज का दिन में अगर मैं फ्यूचर डेट का ट्रांजेक्शन करूँ तो उसे मैं क्या बोलूंगा सर उसे मैं कहूंगा फॉरवर्ड मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट सर रेगुलेशन के हिसाब से पर्टिकुलर ऑथरिट जो है उसको देख रहा है संभाल रहा है गाइड कर रहा है रूल्स एंड बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेगुलेटेड मार्केट्स और अगर कोई स्टिपुलेशन नहीं है तो उसे हमें कहते हैं क्या कहते हैं मुझे याद नहीं क्या है सर इट इज नोन एज इट इज नोन एज वॉट

समझ में आ गया सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर हमने पढ़ा था। सर, हमने सर हमने पूरे पूरे सर, हमने उसके बाद पढ़ा था क्योंकि तो इस चैप्टर में, में जो डिस्कस करने वाले हैं वॉज फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है रेवेन्यू में सर ठीक है रेवेन्यू में सर इसमें सर रेवेन्यू के सर हमारे पास में तीन बच्चे हैं ठीक है या फिर प्रोडक्शन के कई सारे बच्चे उसमें रेवेन्यू के बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सर एक है आपका टोटल रेवेन्यू एक है आपका मार्जिनल रेवेन्यू तीसरा है आपका क्या एवरेज रेवेन्यू सर टोटल रेवेन्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं टोटल रेवेन्यू को हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंटू क्वानिटी कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है आंसर नहीं आ रहा है मैं बहुत खराब आने वाला हूँ मुझे बताइएगा प्लीज ठीक है प्राइस इंटू वॉट क्वान्टिटी इज कैलकुलेटेड ठीक है उससे हमें क्या मिलता है टोटल रेवेन्यू मिल जाता है सर मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे सर इसको निकालने का दो तरीका है वन सर मार्जिनल का मतलब क्या था सर इतना एग्जाम्स दिए हैं भूल गए मार्जिनल का मतलब था एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल रेवेन्यू दैट यू हैव बाय सेलिंग वन मो यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ठीक है उसको निकालना है तरीका कैसे है सर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन एक्सीलेंट और सर अगर इसमें गैप इंडिविजुअल लेवल पे है तो ये फॉर्मूला काम करेगा कौन सा टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन अगर गैप एक से ज्यादा का है तो मैं क्या करूंगा सर टी आर डिवाइडेड बाय क्यू ठीक है समझ में आएगा समीशन टी आर डिवाइडेड बाय क्यू सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम लोग टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय व्हाट क्यू समय निकलेगा एवरेज रेवेन्यू सर अचानक से मार्केट्स में जाते जाते आप रेवेन्यू में क्यों चले गए क्योंकि सर मार्केट्स रेवेन्यू कॉस्ट सब कुछ आपस में लिंक्ड है ठीक है तो मार्केट्स में अल्टीमेटली जब सेलर्स एंड बायर्स इंटरेक्ट करेंगे तो सेलर्स को अल्टीमेटली क्या चाहिए रेवेन्यू चाहिए और उस रेवेन्यू को वो कैसे कैसे कैलकुलेट करेगा उसके लिए मैं रेवेन्यू वाले पार्ट में आ गया हूं क्योंकि मार्केट्स में हम लोग अलग टाइप्स पड़ा है और हर टाइप में रेवेन्यू भी चाहिए और कॉस्ट भी चाहिए तो पहला एस्पेक्ट किसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं मैं अबाउट रेवेन्यू ठीक है ओके सर समझ में आ गया बढ़िया से ओके वेरी नाइस ठीक है अब मुझे बताएगा सर आगे हमने रेवेन्यू के एस्पेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था एक था इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन दूसरा था इन द केस ऑफ वॉट सर इन द केस ऑफ इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सर एक इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन रेवेन्यू का कैलकुलेशन आएगा एंड दूसरा आएगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन सर ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक सर परफेक्ट बोले तो सर परफेक्ट कंपटीशन बोले तो ना मतलब मार्केट में अगर एक नंबर मार्केट होगा ना एक नंबर मतलब सब कुछ बढ़िया सब कुछ सॉलिड चल रहा है उस मार्केट को अपन क्या बोलेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसके कुछ फीचर्स बता दोगे तो मजा जाएगा ठीक है कुछ कुछ लिख देते हैं यहां पे सर एक था आपका लार्ज नंबर ऑफ वॉट बायर्स एंड सेलर एक क्या था आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यानी कि सर क्योंकि मार्केट में खूब सारे बायर्स है खूब सारे सेलर है तो कोई भी पर्टिकुलर सेलर जो है इस पोजिशन में नहीं है कि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके ठीक है किसी भी पोजिशन में वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा हेंस इस केस में सेलर जो है वो क्या है इज द प्राइज ठीक है प्राइस प्राइजर सेलर इज द प्राइस टेकर एंड बायर इज द प्राइस वॉट बायर इज द प्राइस वॉट सर मेकर ठीक है सही बोला क्या मैंने अरे सर गलत बता रहे हो सर 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 क्या आपने लिख दिया बायर कहां से आएगा इसमें सेलर इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री जो है अच्छा इंडस्ट्री था क्या हाँ सर चेक कर रहा था मैं तो खाली बस इज द प्राइज वॉट मेकर ठीक है और इंडस्ट्री जो है सर क्योंकि सर हम किस में है हम तो एकदम मस्त युग में है हम लोग कौन से टाइम में है सर हम लोग तो

भैया कितने बजे तक होगा अब वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ सर आपकी स्पीड के ऊपर टू क्या था सर? आपका क्या है आपका सर, का मतलब क्या ऑल एस्पेक्ट्स यानी कि मैं जो मोमो का प्राइस में बेचूंगा क्योंकि मेरा मोमो और दूसरा जो बेच रहा है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में मोमो बिल्कुल सेम छ तो प्राइस क्या रहेगा सर प्राइस रहेगा सर कॉन्स्टेंट क्योंकि सेम हो गया हर एक एस्पेक्ट में यानी कि सर इसी प्राइस को कौन एक्सेप्ट कर लेगा सेलर एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट ले, कर, ले, कर लेगा, सेलर कर लेगा मैं अभी चार्ट में नहीं जाऊंगा तो करेंगे गया फिर और क्या था सर सर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट से क्या फायदा है सर फ्रीडम ऑफ से ये फायदा है कि कोई भी इंसान मार्केट में आ सकता है मार्केट से जा सकता है यानी यानी कि आपके पास फुल अथॉरिटी है और किसी को याद है तो मेरे को बताओ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट से सर इसका इंपैक्ट जो था वो आपका लॉन्ग रन में होता था सर ये अचानक से कहां से लॉन्ग रन आ गया <coughs> याद करो बाल हम लोग पूरे एक्सपेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते थे वन इन द केस ऑफ शॉर्ट रन एंड वन इन द केस ऑफ लॉन्ग रन सर शॉर्ट रन में क्या होता था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या हरकतें मार्केट कर सकती है किस हिसाब से हम रेवेन्यू कमा सकते हैं किस हिसाब से कॉस्ट लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या था सर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो होने का है ठीक है तो सर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से लॉन्ग रन में क्या होता था सर लॉन्ग रन में क्योंकि मार्केट में फ्रीडम है एंट्री एंड एग्जिट का लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरी फर्म एवरी फर्म विल अर्न एवरी फर्म विल अर्न एवरी फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि सर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है कोई भी बाजार में आ सकता है कोई भी बाजार से जा सकता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सब कुछ परफेक्ट है सब कुछ सादगी है मार्केट में तो मैंने देखा कि सर ये तो बंदा बहुत प्रॉफिट कमा रहा है तो मैं भी आ गया मार्केट में बेचने के लिए क्यों 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 बिकॉज देर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हेंस तो क्या होगा अल्टीमेटली सर क्योंकि सप्लायर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली द फर्म विल अर्न वॉट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट बट वेन वेन इन द केस ऑफ लॉन्ग रन ठीक है ओके सर उसके बाद दो मचकान पॉइंट था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो लगता नहीं है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता नहीं है एंड कस्टमर्स जो है वो रैशनल होता है, so, sir, में जो है तीन टाइप्स आते थे जिसके बारे में हमने पढ़ा है अभी अभी क्या था सर अबाउट विच इज नोन एज मिनोपली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड क्या था आपका ओलिगो पॉली ठीक है तीन टाइप के मार्केट्स थे आपके ठीक है राइट बिल्कुल सही बात है बिल्कुल यहाँ पे हाँ, सर परफेक्ट कंपटीशन में समझ में आ गया मेन पॉइंट क्या लिखाना था सर हमें कि सर हमारा प्राइस क्या रहेगा बिल्कुल इस टाइप कंपटीशन में प्राइस क्या रहेगा सर कांस्टेंट बट सर जब इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बात आता है तो ऑब्वियस सब आता है इनपर्फेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मोर रियल लाइफ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन राइट इस टाइप का मार्केट में क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं सर इसमें हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते कि प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा सर इसमें प्राइस क्या होता है सर प्राइस

दूसरा था आपका अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड तीसरा था ऑलिगोपॉली इन सबके फीचर्स जो है आगे जाके जब हम चैप्टर्स को रिवाइज करते रहेंगे तो मैं फीचर्स कराऊंगा क्योंकि अगर हमें यहाँ पे लिखता रहेगा एक एक फीचर को तो बहुत समय लग जाएगा हेन्स एंड नॉट राइटिंग द फीचर्स ओवर हियर बट आपको मोटा मोटी बाय द टाइम यू नो अबाउट द फीचर्स राइट तो आपको मोटा मोटी आगे मोनोपोली में क्या होता है सर मोनोपोली में जनरली सिंगल सॉरी मोनोपोली में जनरली क्या होता है आपका सर सिंगल सेलर होता है आपका मार्केट में बिकॉज मोनो का मतलब क्या है सिंगल पॉली का मतलब क्या है सेलर तो मार्केट में क्या रहता है सर आपका सिंगल सेलर रहता है उसके बाद कंट्रोल रहता है वो जो सामान बेच रहा है

जो वो बोलेगा वही चलेगा मार्केट में ऐसा भी नहीं है ठीक है कुछ लोगों के पास चॉइस रहता है हाँ ना करने का राइट right? तो इसलिए डिमांड जो है अफेक्ट है, अफेक्ट होता, अफेक्ट होता 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 है है उतना नहीं इनफैक्ट बहुत कम हेंस ईडी इज लेस देन और हमें पता है जब ईडी लेस देन वन होता है तो चार्ट कैसा बनता है सर चार्ट थोड़ा सा चिपकुआ बनता है चिपकुआ मतलब सर थोड़ा सा ना एक्स एक्सिस के पास में बनता है तो मोनोपोली का जब चार्ट हम लोग आगे बनाते हैं इट इज वॉट इट इज स्टीपर ठीक है, इट इज वॉट स्टीपर इन कंपेरिजन टू दी अदर मार्केट्स बिकॉज उसमें ईडी क्या रहता है आपका ईडी कम रहता है ठीक है अच्छा बच्चा लोग का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा मेरे पास में आंसर्स नहीं आ रहा भाई पहले बता देता हूँ आप लोग को मजा नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को ठीक है अब मुझे बताइए मोनोपालिस्टिक कंपटीशन क्या होता है सर मोनोपालिस्टिक कंपटीशन मैं बोल सकता हूँ कि ये ना प्रैक्टिकल कंपटीशन बोल सकते हैं इसको बिकॉज सर इसमें खूब सारे बार सेलर्स रहते हैं इसमें खूब कंपटीशन होता है ठीक है इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है यानी कि मैं अपना ब्रांड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ आप अपना ब्रांड के हिसाब से सामान बेच रहे हो खूब कॉम्पिटिशन है यहाँ पे कई लोग बाजार में एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे बाजार में लड़ने के लिए यहाँ पे इट इज नोन एज अ प्योर कॉम्पिटिशन आराम से यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है ठीक है यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अनशन लगता है बिकॉज एवरीबडी इन दिस मार्केट इज ट्राइंग टू स्टे इन द मार्केट दे आर ट्राइंग टू हलचल हो सकता है हमें पता है कि चार्ट कैसा रहेगा सर चार्ट है आपका फ्लैटर चार्ट क्या रहेगा आपका सर फ्लैटर रहेगा चार्ट क्या रहेगा आपका सर फ्लैटर रहे, रहे का ओके सर समझ okay, में आ गया मुझे नेक्स्ट बताएगा सर क्या है आपका ओलिगोपॉली सर ओलिगोपॉली तो अपने आप में स्पेशल मार्केट है सर ओलिगोपॉली में क्या है सर देर आर फ्यू सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स मैं वापस रिपीट कर करूँ देर फ्यू सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ठीक है तो यानी कि सर यहाँ पे क्या प्यार भी है ठीक है मतलब क्या है प्राइस प्यार मतलब ठीक है उनके पास में ग्रुप बिहेवियर भी है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स क्या है कम है बायर्स क्या है बहुत ज़्यादा है तो क्योंकि लोग कम है हैं उनके बीच में प्यार भी है दे हैव वॉट ग्रुप बिहेवियर और आपस में टकराव भी है दे आर वॉ इंडिपेंडेंट ऑल्सो दे फाइट फाइटो एंड दे बिहेव बुगे वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइप ऑफ मार्केट सर एग्जाम्पल देते तो मजा आ जाएगा का मोनोपोलिक्पल हो गया रेलवे मोनोपोलिस्टिक का कॉम्पिटिशन हो गया कपड़ा का मार्केट हो गया आपका जहां पे भी खूब सारे सेल्स होते है बिस्किट हो गया ये सारे किसके एग्जांपल हो गए आपके मोनोपोलिस्टिक के एंड के एग्जांपल्स क्या क्या है क्योंकि आपके एमसीक्यू में आता है इज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया ठीक है आप जब भी सवाल पूछेगा कि किस टाइप का मार्केट होता है प्लीज क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कभी कभी अगर मोबाइल फोन को उन्होंने एड्रेस किया कि खूब सारे सेलर्स है तो यस ऑलिगोपॉली मार्केट में फॉल करना चाहिए बट क्वेश्चन की गहराई को समझो क्वेश्चन में देखो क्या फीचर दिया हुआ है उस हिसाब से आंसर द क्वेश्चन ठीक है प्लीज भावुक मत होइएगा रिक्वेस्ट है आपसे एक बार के लिए जो लोग यहां पे अभी वीडियो देख रहे हैं ठीक है प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दो बार क्वेश्चन को पढ़िएगा क्वेश्चन को दो बार पढ़िएगा ध्यान से सोचिएगा उसके बाद टिक करिएगा हर बड़ी में जोश में आकर यार मजेदार पेपर है मस्त है कर ले या फिर पेपर को देख के हे कितना टफ है टेंशन लेने

ये देखिए सर कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए थे सर आपके ठीक है एक बार फटाफट फट देख लेते हैं मोनोपॉली में भी दिया हुआ सर सिंगल सेलर प्राइस मेकर है बिकॉज दम है आपके पास में प्राइस का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो उसके बारे में अपने टॉपिक भी किया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो लॉ ऑफ डिमांड इसमें एप्लीकेबल है ईडी वुड बी वॉट लेस देन वन ईडी वुड बी वॉट लेस देन वन ध्यान दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे ठीक है अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे बता दीजिएगा मोनोपोली के ये कुछ फीचर्स थे आपके मोनोपोलिस्टिक में सर क्या है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए मार्केट में केवल प्राइस कंपटीशन नहीं है बट साथ साथ में नॉन प्राइस कंपटीशन भी है सर प्राइस डिफ्रेंसिय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है सर नेचर सेम हो सकता है बिस्किट का नेचर सेम हो सकता है बट प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल है कुछ लोगों के ब्रांड लॉयल्टी वगैरह रहती है एंड दिस मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सेप्ट इस केस में ईडी इज मोर देन वन हेंस इट इज व्हाट फ्लैटर ठीक है एंड ऑलिगोपॉली में सर स्पेशलिटी क्या था देर आर फ्यू सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ वॉट बायर्स देर आर फ्यू सेलर्स बट वॉट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स दे आर सेलिंग वॉट डिपेंडेंट है ठीक है डिपेंडेंट है आपस में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह लगता है नॉन प्राइस भी इसमें रहता है द शेप इज किंग किंग डिमांड डिमांड कर्व कर्व ठीक है हाँ जी सर समझ में आ गया सर इन देखिए सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्योंकि प्राइस क्या रहता है सर आपका प्राइस क्या रहता है आपका सर प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है इसलिए हमने जब टेबल बनाया था ठीक है अभी मैं टेबल का डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट विल अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है हमने देखा था कि प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवेज रेवेन्यू बिल्कुल क्या रहता है आपका सेम रहता है ईडी जो, जो रहता है वो क्या रहता है, है. इसीलिए और इनफाइनाइट जैसे होता है एक्स एक्सेस प्राइस इज इक्वल टू वॉट एम आर इज इक्वल टू वॉट ए आर इज इक्वल टू वॉट डिमांड ठीक है सही बात है बिल्कुल तक सर हाँ, सही है ठीक है एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस, कि प्राइस क्या बिल्कुल रहे प्राइस क्या रहेगा आपका सेम रहेगा हर सिचुएशन में चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो चाहे वो इनपर्फेक्ट कॉम्पिटिशन हो आपका ये चीज क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा हमेशा कोई स्ट्रेस वाली बात यहाँ पे नहीं है ठीक है बट हमने क्या देखा सर एम आर क्या होता है सर एम आर इज कंटिन्यूसली फॉलिंग इट इज बिकमिंग जीरो एंड नेगेटिव टी आर भी क्या हो रहा है सर वो बढ़ता है हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचता है फिर फॉल होते रहता है फॉर आल सिंप्लीफिकेशन बिकॉज अभी एग्जाम्स आने वाला है वी हैव सीन कि कर्व कर्व इज सिमिलर टू सर टीय क्वी इनिशियली बढ़ता है हाएस्ट पॉइंट में पहुंचता है फिर फॉल होता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है एम आर कर्व जो है इट इज सिमिलर टू एम यू कर्व ठीक है जहां भी क्या होता है सर इट इनिशियली इंक्रीजेस सॉरी इंक्रीजेसू कर्व कंटिन्यूअसली फॉल्स बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव समझ में आया कि हाँ सर समझ में आ गया दिस वॉज द टी आर कर्व देखिए आप बढ़ा है बड़ा हाइएस्ट पॉइंट में पहुंचा एंड देन फॉल हो गया ठीक ए आर कर्व देखिए कंटिन्यूसली फॉलो रहा है बट इज नॉट जीरो एंड नेगेटिव वाइल एम आर कर्व इज फॉलिंग बिकम जीरो एंड नेगेटिव एंसर क्या ही बताए सर बचपन से हमारा एक प्यार है टी यू टी और एम के बीच में टोटल्स एंड मार्जिनल के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है तो चलो मार्जिनल भर नहीं रहा है तो टी भी ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ता है जब मार्जिनल फॉल होता है बट पॉजिटिव है तो टी यू इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट जब मार्जिनल जीरो होता है टी यू अपने टोटल अपने हाइएस्ट पॉइंट में होता है एंड जब मार्जिनल होता है टी यू ऑल्सो या टी ऑल्सो स्टार्ट तो सर मार्केट में बाजार में कैल्कुलेट करने का था हमें रेवेन्यू कमाना जरूरी है ठीक है बाजार में, में क्या कमाना जरूरी है हमें जो है रेवेन्यू कमाना जरूरी है राइट बिल्कुल सही बात है बिल्कुल यहाँ पे हाँ सर बट रेवेन्यू कमाने के लिए मेरे को ये भी डिटरमाइन करना है कि एक प्रोड्यूसर जो है एक प्रोड्यूसर जो है वो सामान कितना प्रोड्यूस करेगा

सेम रहेगा ठीक है दिट इज वॉट पैरल टू द एक्स एक्सेस सही बात है बिल्कुल यहाँ पे एमसी कर्व सर एमसी कर्व इज शेप कर्व इट इज अड कर्व सर ये कैसे बताया आपने देखिये सर कॉस्ट चैप्टर जब हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है कॉस्ट चैप्टर जो है ठीक है क्योंकि हमें डिटरमाइन करना है डिसाइड करना है डिटरमाइन करना है कि आखिरकार एक प्रोड्यूसर कब तक बनाएगा ठीक है तो हमें चाहिए दो चीज एक था रेवेन्यू जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया एक चाहिए कॉस्ट सर कॉस्ट में क्या आएगा सर सर कॉस्ट में जो है वापस से हम लोग अगर बात करेंगे तो कॉस्ट को भी सर हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे ठीक है एक होगा इन द केस ऑफ शॉर्ट रन दूसरा होगा इन द केस ऑफ लॉन्ग रन ठीक है शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो ठीक है सब में कॉस्ट जो है बराबर रहेगा सर कॉस्ट जो है उसमें रहता है टोटल कॉस्ट और हाँ, मतलब तो, मतलब हमें, हाँ, हमें क्या चाहिए अभी सर कॉस्ट चाहिए सर बट कॉस्ट ठीक है एंड प्रोडक्शन बिल्कुल क्या क्या है सर ठीक है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन क्या है सर बिल्कुल ठीक है आपस में क्या है उनके बीच में भाईपना है ठीक है उनके बीच में भाईपना है क्योंकि प्रोडक्शन चैप्टर जो है सर प्रोडक्शन चैप्टर उसमें क्या होता है सर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के बीच में क्या है बहुत बड़ा रिश्ता है दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है सर दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है बराबर सही बात है बिल्कुल यहाँ पे ठीक है इनवर्स रिलेशनशिप है बट क्योंकि दोनों के दोनों जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है इसलिए दोनों को हम लोग साथ में पढ़ते हैं ठीक है दोनों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं सर साथ में पढ़ते हैं ठीक है तो हमने पहले सर रेवेन्यू देख लिया उसके बाद सर हमें निकालना था कि प्रोड्यूसर कौन से यूनिट्स में कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने की इच्छा करते हैं उसके लिए सर हमें चाहिए प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इसलिए हमें कहा जाना पड़ेगा सर अभी? सर हमें जाना जाना पड़ेगा पड़ेगा सर सर अभी प्रोडक्शन चैप्टर में अच्छा ऐसा बात है ऐसे पढ़ाओगे आप सर हाँ जी ऐसे ही आपको ठीक है सर प्रोडक्शन चैप्टर में आते हैं सर कि आखिरकार एक प्रोड्यूसर जो है वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है सर प्रोडक्शन का सर हम लोग शुरू से करेंगे क्या नहीं नहीं सर हम लोग पहले जो है थ्योरी वाला पार्ट को अभी नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो हम लोग का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा अच्छा अच्छा ठीक है तो हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे सर हम लोग यहाँ से करेंगे सर टोटल प्रोडक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट टर्न एंड लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या है सर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लॉन्ग रन में क्या है आपका इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो पहला डिस्कशन किसके ऊपर करेंगे हम लोग सॉरी ठीक है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन सर शॉर्ट रन में देर आर टू फैक्टर्स विच कम इन टू प्लेस ठीक है शॉर्ट रन में क्योंकि जितना डिस्कशन हम लोग करेंगे उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अभी प्रोडक्शन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है शॉर्ट रन में शॉर्ट रन में सर ठीक है शॉर्ट रन में हम क्या करेंगे सर शॉर्ट रन में हम हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर्स रहता है One is known as the fixed factor and the other is known as the variable factor. One is known as what the fixed factor and the other is known as what the variable factor. Okay. in the short term we have a law. And that law is known as what? This law is known as what? The law of what? The law of what? The law of what? The law of variable proportions. The law of variable proportions, the law of, or the law of diminishing returns. Okay? The short term bachcha, it is it has a law. That law is known as the law of वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं सर इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के तहत वी हैव सेट दैट जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे हम एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं ठीक है हमने यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह का एग्जांपल दिया था अभी मैं ये सब नहीं बताऊंगा अभी आप लोग का चल रहा है फटाफट लास्ट मोमेंट में इसलिए प्लीज पार्टिसिपेट करिए आप लोग जोश में है या नहीं मुझे बताइएगा ठीक है दट इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ठीक है सॉरी इफ यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर एक्सट्रीमली सॉरी इफ यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर ठीक है कीपिंग द फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट इफ यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर कीपिंग द फिक्स फैक्टर कांस्टेंट प्रोडक्शन प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेस प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट देन एट अ देन एट अ डिमिनिशिंग रेट देन एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट सर हमें यह देख लिया था कि हाँ सर हम लोग याद करो सर याद करो बच्चों याद है ना आपको हाँ सर क्योंकि सर इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है इसलिए क्या होता है सर क्योंकि इनिशियली जब आपका एम पी बढ़ रहा है तो टीपी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहा है जब एम पी फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली ये क्या हो रहा है सर नेगेटिव होते वक्त टी पी जो है वो फॉल हो रहा है इसलिए हमने ने पूरे चीजों को तीन पार्ट में डिवाइड किया था फेज वन फेज टू एंड फेज थ्री दिस वॉज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सर इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्स की वजह से कॉस्ट भी अफेक्ट होता है क्योंकि ये लॉ चल रहा है प्रोडक्शन जैसे जैसे चल रहा है उस हिसाब से कॉस्ट भी अफेक्ट होता है सर अगर आप आपने के लिए अगर आपने नया ज्वाइन किया अभी अभी तो मैं सर रेवेन्यू चैप्टर में था एक्चुअली मैं मार्केट्स में था मार्केट से मैंने लिंक किया रेवेन्यू के साथ में बिकॉज मार्केट्स में रेवेन्यू निकालना जरूरी है ठीक है अभी प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करना चाहेगा उसके लिए मेरे को रेवेन्यू भी चाहिए और साथ में कॉस्ट भी चाहिए बट कॉस्ट पढ़ने से पहले मुझे क्या जाना था प्रोडक्शन सर ये तो बड़ा ही यूनिक तरीके से आप करा रहे हो ये क्या बात है लास्ट है पूरा घुमाऊंगा ऐसा क्योंकि पेपर जो है कहीं से भी आ सकता है तो मेरा क्या ना एकदम सफर जो है आपस में कनेक्टेड होना चाहिए अगर मजा आ रहा है तरीका मजा आया तो एक बार बताना मेरे को ठीक है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ठीक है आइए तो सर हमने प्रोडक्शन को तीन फेज में डिवाइड किया इनिशियली एट एन इंक्रीजिंग रेट देन एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली एट अ वॉट नेगेटिव रेट हाँ सर ये किस में होता है सर इन द केस ऑफ वॉट इन द केस ऑफ शॉर्ट रन इन द केस ऑफ वॉट शॉर्ट रन ये होता है ठीक है कैसे होता है सर शॉर्ट रन में सर कैसे होता है इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग फॉलिंग ठीक है ओके सर आप ये बोलना चाहते हो कि प्रोडक्शन में भी जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन रहता है टोटल प्रोडक्शन रहता है वैसे एवरेज प्रोडक्शन भी रहता है हाँ सर एवरेज प्रोडक्शन भी रहता है वो कैसे निकालेंगे सर सिंपल है सर टीपी बाय व्हाट क्यू गिव्स अस व्हाट एवरेज प्रोडक्शन ठीक है गिव्स अस व्हाट एवरेज प्रोडक्शन ठीक है अब सर उसमें भी सर हमें देखा था कि एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में भी क्या है सर रिश्ता है इसमें हमने स्टोरी ले था सर स्टोरी किसका था याद है किसी को सर क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी तो आई कैन नॉट फॉल बैक टू अनदर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ठीक है सर क्या है यहाँ पे रिश्ता अबाउट चु क्या था कछुआ एंड खरगोश इसमें क्या था सर दोनों के शेप जो है ना कर्व के बिल्कुल सेम है बट हमें पता है कि एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना वो जीरो होगा और एमपी जो है सर एकदम तेज बढ़ता है तेज गिरता है कैन बिकम जीरो और नेगेटिव जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं मार्जन प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेस एंड ड्रास्टिकली फॉल्स बिकम जीरो एंड नेगेटिव वेल एपी ऑल्सो इनिशियली इंक्रीजेस स्टार्ट फॉलिंग बट इज नॉट जीरो एंड नेगेटिव दोनों का एक पॉइंट में मिलन होता है ठीक है उस पॉइंट में एपी अपने पहुंचने के बाद देख सकते हो वो अपना में है और फॉल होते रहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों किसमें चल रहा है सर दोनों इन द केस ऑफ व्हाट शॉर्ट रन ठीक है सर समझ में आ गया आपको हाँ सर समझ में तो आ गया है ठीक है सर ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है फिर क्या था सर इसी में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमने पढ़ा था उसमें अलग अलग स्टेजेस थे उसमें से एक स्टेज था ऑफ सर सर कौन सा पोजिशन में कौन सा पोजिशन में एक्चुअली हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं सर देखने में तो फेज नंबर जो है वो बड़ा अनोखा लगता है बड़ा बढ़िया लगता है बट एक्चुअली में एज अ रियल प्रोड्यूसर हम कौन सा स्टेज में प्रोड्यूस करते हैं सर वी प्रोड्यूस टिल स्टेज टू ना हम लोग स्टेज वन में प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज स्टेज थ्री इज वॉट इज वॉट इज अ लॉस अस्ट राइट विल प्रोड्यूस एट वॉट स्टेज नंबर

सो क्विकली आई डोंट नो जैसे मुझे कंफर्म कर दीजिए कि सभी लोग ग्रिप में है या नहीं मुझे याद पर तब तक मैं एक से पानी पी लेता तो। हूँ प्लीज कंफर्म कर दो फटाफट

वेरिएबल इन नेचर का है हेंस हमने क्या देखा था सर हमने ये देखा था सर कि यहाँ पे कोई ना मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला स्टेज नहीं है यहाँ पे तीन ही स्टेजेस बनता है वो क्या क्या था आपका कॉन्टेंट रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड वॉट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्के यहाँ पे क्या है सर वैसा है नहीं कि फॉल होता है होता है सर so, इसमें क्या इनपुट के हिसाब से आउटपुट कितना निकलता है क्योंकि लॉन्ग एन में क्या इट इज ऑल अबाउट वेरिएबल फैक्टर्स राइट तो वी डोंट टॉक अबाउट की जिसमें प्रोडक्शन गिरा गिरा इसमें क्या होता है प्रपोर्शन क्या हुआ ठीक है इनपुट जो आपने डाला था उस हिसाब से क्या प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट अपना लिखा है लिखला है ठीक है तो अगर हमारा जो जितना इनपुट लगाया उतना ही लेवल पे आउटपुट लिख आपने दो घंटा पढ़ा और दो घंटा का ही आउटपुट निकाला तो ये क्या हो गया आपका टू स्केल ठीक है इसको हम लोग बहुत प्यार से लीनियर होमोजिनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं ठीक है लीनियर होमोजिनियस वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ठीक है लीनियर होमोजिनियस प्रोडक्शन फंक्शन ठीक है प्लीज डू दी एमसीक्यूज दैट यू हैव मार्क्ट एज स्टार मार्क अभी के टाइम में आपके स्टार मार्क किए किए हुए हुए रहने चाहिए आपके ठीक है ओके okay. सर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है सर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में जितना आपने इनपुट निकाला उससे ज्यादा अगर आउटपुट निकाल दिया आपने दो घंटे के पढ़ाएंगे जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है तो हम जितने भी टाइम पढ़ेंगे उससे क्या होगा चार पांच गुना ज्यादा आउटपुट निकालेंगे उसके हम क्या कहेंगे इंक्रीजिंग टू 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 स्केल स्केल एंड फाइनली वी वी हैव हैव द द डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्केल जहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप थक जाते हो इनपुट डालते हो बट उतना आउटपुट निकलता नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं ठीक है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ठीक है समझ में आया कि सर हम लोग फ्लोट कर रहे हैं किसी को आई होप दिक्कत नहीं हो रहा है हम लोग रेवेन्यू से प्रोडक्शन में आ

ठीक है उसके हिसाब से बात था सर अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन वन ठीक है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ठीक है स्के प्लस बी इज ग्रेटर देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल स्के प्लस बी इज इक्वल टू वन तो हम क्या बोलेंगे उसको कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल हम इसको क्या बोलेंगे सर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल ठीक है इफ ए प्लस बी इक्वल टू वन तो क्या होगा सर ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड स्के प्लस बी इज लेस देन वन तो क्या होगा सर ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू ठीक है ध्यान रखना है ये सब आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलेगा बिल्कुल यहाँ पे हाँ सर हम लोग ने प्रोडक्शन वाला पार्ट तो अच्छा खासा कर ही लिया है ठीक है सर लास्ट टॉपिक भी करवाई दो ताकि ये वाला पार्ट जो खत्म हो जाए फिर अपने से थ्योरी बचेगा ओके जैसा आपका मन है सर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन ठीक है जैसे कि कंज्यूमर का केस पे भी ऐसा होता है आगे जाके हम लोग रिवाइज भी उसको करेंगे ठीक है चलो इसको काम करते हैं उसको वहीं डिस्कस कर लेंगे ठीक है अभी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हम लोग जो काम का है अभी आगे हिसाब से उस हिसाब से हमने प्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया है ठीक है सर ठीक है आइए सर हमने प्रोडक्शन समझ लिया सर ओके सर तो जो, जो काम का है वो कर लिया चलिए आइए सर अभी हम लोग को क्या चाहिए सर हम लोग जो कॉस्ट चाहिए सर अच्छा कॉस्ट चाहिए आप लोग को हाँ हाँ कॉस्ट चाहिए ठीक है ये वाला ठीक है सर हमने प्रोडक्शन के रेवेन्यू हमें पहले रेवेन्यू हमने पढ़ा था उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए थे सर हम लोग गए थे सर प्रोडक्शन वाले पार्ट में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बीच में पूरा रिश्ता है कि ये प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर वांट्स की वो ज्यादा प्रोड्यूस करे एंड कॉस्ट वो हमेशा क्या चाहेगा कि कम लागत रखे ठीक है तो कॉस्ट में सर हमें कुछ समझ देते पहले तो सर कॉस्ट में सर there are two kinds of cost. one is known as what? one is is known known as as what? cost. one is known as what? the accounting cost and the other is known as economic cost. सर ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज सर इसके तहत हम लोग आगे जाके जो मार्केट्स चैप्टर है उसमें हर एक टाइप के कंपटीशन में दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस तो वो इसी के तहत है ठीक है सर वॉट यू मीन अकाउंटिंग कॉस्ट सर वो कॉस्ट जो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्ट जो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट ठीक है वो कॉस्ट जो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट सपोर्ट इकोनॉमिक कॉस्ट जब आता है इकोनॉमिक कॉस्ट तो ये स्पेशल कॉस्ट है ठीक है इकोनॉमिक कॉस्ट में सर अकाउंटिंग कॉस्ट तो है ही ठीक है इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट तो है ही साथ में सर एक और कॉस्ट है जिसको बोलते हैं सर हम लोग क्या वी कॉल इट वट दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ठीक है कॉस्ट ऑफ द दर्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोगोन ठीक है कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट तो हम लोग सर अकाउंटिंग कॉस्ट को तो लेते ही प्लस वो कॉस्ट जो हमने गवाया है ठीक है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो इकोनॉमिक तो कॉस्ट है ही साथ, साथ में क्या है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि देखिए हम क्या सीखेंगे आगे जाके सर टोटल हमने रेवेन्यू कितना कमाया बराबर और हमें डिटरमाइन करना है कि एक फर्म जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट सर ध्यान दीजिएगा टोटल कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में बात टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ठीक है सर रेवेन्यू तो हमने पूरा पढ़ी लिया है ठीक है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट हमने जान लिया है सर कि दो टाइप का कॉस्ट है सर इसमें क्या क्या है सर अकाउंटिंग कॉस्ट भी है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों के दोनों राइट सही बात है बिल्कुल यहाँ पे दोनों के दोनों है अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो अ फर्म इज अर्निंग वॉट अ फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स अ फर्म इज अर्निंग वॉट नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है फर्म क्या कमा रहा है सर आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा राइट ओके नाउ अगर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ठीक है तो एक फॉर्म क्या कमा रहा है एक फॉर्म कमा रहा है सुपर नॉर्मल ठीक है फॉर्म क्या कमा रहा है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और अगर टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट तो एक फॉर्म क्या कमा रहा है लॉसेस ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा अकाउंट से अलग है ठीक है बट आई थिंक यहां तक आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा ठीक है फिर आउटले कॉस्ट व सिमिलर टू अकाउंटिंग कॉस्ट कॉस्ट मैंने आपको बताया था इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोगॉन जिसके बारे में हमने जो है ऑलरेडी पढ़ लिया है ठीक है ओके okay. ठीक है नेक्स्ट सर क्या है सर कॉस्ट है क्या सर मेनली तो सर हमें जो आगे जाके मार्केट्स में काम आएंगे वो सारे हमने कर लिया इट इस अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट चलो ठीक है जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ लेते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर नो डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट डायरेक्ट so, कॉस्ट क्या है जिनका प्रोडक्शन से ऑपरेशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ठीक है डायरेक्ट नेचर है डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट या फिर ट्रेसेबल कॉस्ट ऑन दी अदर हैंड जिसका डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है ठीक है इट इज नॉट इजिली आइडेंटिफिएबल इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट uh, या फिर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट ठीक है जैसे अगर रॉ मेटेरियल परचेस किया इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट अगर आपने सैलरी पे किया किसी को ठीक है जैसे एग्जांपल इस तो आपने सैलरी दिया किसी गार्ड को तो वो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट या फिर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट ठीक है सर सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट और सम कॉस्ट क्या होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है जैसे जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है जैसे जैसे हम नया नया बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं वैसे वैसे जो अगर एडिशनल कॉस्ट जो लग रहा है ठीक है इन सिंपल लैंग्वेज मार्जिनल कॉस्ट जो आपका लग रहा है एडिशनल कॉस्ट जो आपका लग रहा है जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे चल रहा है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल क्या है आगे बढ़ना ठीक है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज नथिंग बट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे

जो अभी आपको मेहनत कर रहा है बराबर तो उसको बोलते हैं उसी को इन रिगार्ड्स द कॉस्ट इज नोन एज वॉट सन कॉस्ट सर कभी कभी क्या होता है हम प्रोडक्शन करते हैं हम बिजनेस करने वाले होते हैं हम कभी कभी गलत गलत कुछ कुछ डिसीजन ले लेते हैं उसमें हमारा कभी कभी खर्चा हो जाता है ठीक है अब उसको वो गई बात खत्म उसको अगर हम लोग लेके रखेंगे कि नहीं इस कॉस्ट को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा तो उसको फायदा होगा क्या नहीं सर वो संक हो गया है उसको अब दिमाग लगा के फायदा नहीं है तो संघ कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड एंड उसको अपन रिकवर कोई भी हालत में कर नहीं सकते और ये डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सर मीन यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट सर वो कॉस्ट जो इनिशियली कोई भी नया नया लगता है ठीक है जो कॉस्ट आपका ऑलरेडी लग चुका है एक प्रोडक्टिव एसेट को खरीदने के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट मैंने लैपटॉप खरीदा उसके लिए जो मेरा खर्चा लग गया ऑलरेडी उसको हम लोग क्या बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट और सर इस लैपटॉप को चेंज करने के चक्कर में मुझे जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट क्या है सर आपका प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट ठीक है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट क्या है प्राइवेट कॉस्ट यानी कि मेरा अगर इंडिविजुअली ठीक है मेरा फर्म है या मेरा इंडिविजुअली जो भी कॉस्ट लग गया उसको हम क्या बोलेंगे

सॉरी उसको हम लोग क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट कहते हैं और जो सर वेरी होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट ठीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं तो दोस कॉस्ट व्हिच रिमेंस डिस्पाइट द द द द लेवल लेवल ऑफ ऑफ आउटपुट आउटपुट इज इज नोन नोन एज एज कॉस्ट कॉस्ट एंड दोस विद वेरिएबल ठीक है सही बात है बिल्कुल यहाँ पे ओके okay, सर हाँ सर कॉस्ट फंक्शन जो हम लोग आता है हमें ठीक है तो सर कॉस्ट में भी वापस दो डिस्कशन हाँ सर इसमें भी शॉर्ट रन है इसमें भी लॉन्ग रन है सर अच्छा ठीक है तो शॉर्ट रन सर क्या होता है इसमें सर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए दो दो कॉस्ट रहता है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट सर फिक्स कॉस्ट आपने देखा था इट रिमेन्स वाइटपुटी वैसे तो कॉस्ट में मैंने क्या बोला था अभी अभी कि सर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा ठीक है बट इस केस में टीवीसी का शेप जो है थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा इनवर्सली क्या है एस सर ये इनवर्सली एस शेप क्यों है सर जितना मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट को समझने के लिए प्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है प्रोडक्शन चैप्टर को रिवाइज करना अनिवार्य है इस वजह से यहाँ पे काम आता है सर सर कैसे काम आएगा ये इनवर्सली एस इसलिए है ड्यू टू वॉट सर ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन क्या बोलता है पहला बात तो मुझे बताइए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ऑपरेट्स इन द ठीक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्सन ऑपरेट्स इन द वेयर शॉर्ट रन ठीक है तो और हम लोग जो अभी कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो किस में ऑपरेट करता है सर ठीक है बताइए उस वो किस में काम करता है आपका ठीक है वो भी हम लोग किस में काम कर रहा है सर इन द शॉर्ट रन तो दोनों का दोनों दोनों शॉर्ट रन वाला केस में राइट अब अब बात ये है, सर, अब बात ये ये है है सर कि ही शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हैं लो वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बता रहा है आपको कि इनिशियली प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है किसमें एट एन इंक्रीजिंग रेट देन एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली फॉल्स तो जब आपका प्रोडक्शन अच्छा है जब आपका प्रोडक्शन अच्छा है तो कॉस्ट क्या होगा सर कॉस्ट कम लगेगा ठीक लगे है कॉस्ट तो लगे। लगे लगेगा ही ऐसा हो सकता है ना कॉस्ट जो है, है प्रोडक्शन खराब हो रहा है वैसे आपका कॉस्ट भी क्या होता रहेगा बढ़ते रहेगा ठीक है तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं इंक्रीजेस बराबर कॉस्ट में इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट टीवीसी क्या है इट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ

मिल जाएगा ठीक है टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ दे तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा जस्ट लाइक टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता है सिमिलरली टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कभी भी जीरो नहीं होगा बिकॉज टोटल कॉस्ट में दोनों है क्या क्या है सर आपका टी एफ सी भी है और प्लस टीवीसी भी है एंड बोथ टी एस सी कर एंड दी वी सी कर विल बी वॉट पैरल टू द दैरल टू इच अदर बिकॉज दोनों के बीच में गैप जो है वो क्या है टी सी एंड टी वी सी के बीच में गैप जो है वो क्या है सर आपका गैप क्या है टी एफ सी है और टीएफसी हमेशा क्या रहता है आपका कॉन्सेंट रहता है हैंस ये दोनों कर्व जो है वो क्या रहता है पैरल टू ईच अदर मुझे रोक दीजिएगा अगर आपको समझ में आया तो तब तक आप लोग ये वाला स्क्रीन को एक बार फटाफट देख लीजिए यस yes. ठीक है अब कॉस्ट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमें समझ में आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हमने खत्म कर लिया ठीक है इसको हमने खत्म कर लिया ठीक है अब आगे क्या डिस्कशन करना है सर सर अभी आगे डिस्कशन करना है अबाउट टोटल्स तो हमने डिस्कस कर लिया अब उसके बाद क्या सर एवरेज एंड फाइनली मार्जिनल सर मार्जिनल देखिए कुछ याद है हाँ सर हम लोग चैप्टर पढ़े थे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला पार्ट मार्केट्स रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेवेन्यू का पार्ट समझ लिया था मार्जिन किया तो है सर समझ में आया नहीं अच्छा जी इसीलिए पढ़ा रहे हो इतना हाँ जी स्क्रीन ब्लर आ रहा है अभी बताओ एक बार देखो जो क्वालिटी है ना क्वालिटी अगर, अगर अपडेट करने का मौका मिले तो क्वालिटी को कर दो ना ठीक को टू तो हायर क्वालिटी ठीक है ओके एवरेज जो है आई होप कि आपका हो गया होगा ठीक ठीक है ना एवरेज में भी सर तीन टाइप का कॉस्ट एक रहेगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड तीसरा रहेगा इन दोनों का समीशन विच इज नोन एज द एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट ठीक है तीन नाम मैंने बोला तीन नाम मैंने क्या क्या बोला एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट सर ए एफ सी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये तो सर क्या ही बताए सर सबसे प्यारा स्टोरी है ए एफ सी का ठीक है ए एफ सी का शेप इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है ए एफ सी का शेप इज वॉट रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है रेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे आपका जो रेंट पर पर पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता रहेगा

सेम रहेगा ठीक है थीके? दोनों ही क्या रहेगा यू शेप्ड कर्व रहेगा ठीक है, रहे है दोनों ही क्या रहेगा सर यू शेप्ड कर्व रहेगा यू शेप्ड कर्व रहेगा दोनों 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 का बिकॉज ही केसेस में इट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विच किस ठीक है लॉफ वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या हो रहा है सर जब प्रोडक्शन अच्छा है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा कम होते रहेगा जब प्रोडक्शन तब ऑप्टिमम है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल मिनिमम एंड जब कॉस्ट प्रोडक्शन खराब हो गया है तो कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा का टोटल में क्या है सर एग्जैक्टली exactly नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि उसमें यूनिट्स भी थे ठीक है और एवरेज में क्या यूनिट्स तो है नहीं क्योंकि उसको हम लोग हटा देते हैं पर यूनिट होता है तो पर यूनिट कॉस्ट की वजह से क्या होता है एकदम हमें चार्ट दिखता है इसलिए आपको अगर याद होगा और आपको मैंने पढ़ाया भी था कि एवरेज प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से था राइट और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में कैसा रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है हेंस द शेप इज व्हाट व्हाट एबीसी इज यू एवीसीप कर्व एंड सिमिलरली एटीसी कर्व इज आल्सो व्हाट यू शेप कर्व ठीक है ओके okay, सर समझ में आ गया होगा Curve याद तो इस तरीके था इसको रिवर्स कर दो तो क्या मिलेगा आपको मार्जिनल कॉस्ट कव ठीक है बट यहाँ जो एवरेज कॉस्ट कव है वो थोड़ा सा आराम आराम से बनता है इसलिए देखना तो यू थोड़ा ऐसे है एवरेज कम्स टू मार्जिनल इट इज ऑलवेज शॉर्प राइट दिस कर्व इज ऑल्सो वॉट वेरी शार्प Hence, हम बहुत प्यार से नाइकी शेप भी बुलाते हैं पर एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा ये नाइकी शेप नहीं है सर आपका रिलेशनशिप बिटवीन एटीसी एबीसी मार्जिनल कॉस ए एफ सी सबसे पहले सर हम लोग ए एफ सी को देखते हैं ए एफ सी वेक्टेंगुलर हाइपर बोला फॉल्स कम्स वेरी क्लोज टू बट नेवर व

ठीक है तो पहले किसको कट करेगा एबीसी कर्व को उसके बाद किसको कट करेगा एटीसी कर्व को ठीक है फिर हमने सर क्या देखा था कि ये जो गैप है बिटवीन एटीसी कर्व एंड एबीसी कर्व इनिशियली ज्यादा रहता है फिर क्या होते रहता है सर कम होते रहता है ये कम होते रहता है बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट क्यों सर क्योंकि इन दोनों के बीच बीच में कौन है सर ए एफ सी है एएफसी भी इनिशियली ज्यादा रहता है फिर क्या होते रहता है

लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का भी शेप जो है वो क्या अल्टीमेटली एक बड़ा सा यू है ठीक है एक बार वापस रिपीट करता हूँ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ अ अफ ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ठीक है कर्स अशन ऑफ वट लॉर्ड ऑफ शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व उनको मिला के क्या मिलता है मुझे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बट आप देखो नोटिस करो सर यहाँ पे कि सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का भी जो शेप है वो किसकी वो भी क्या है सर यू शेप्ड है ठीक है ओके चलेगा बिल्कुल यहाँ पे हाँ सर यू शेप सर यू शेप क्यू है ड्यू टू वन वर्ड इट्स नोन एज वोनॉमीज ऑफ वॉट इकोनॉमीज ऑफ व्यू टू वट इकोनॉमीज ऑफ स्के ठीक है सही बात है बिल्कुल यहाँ पे ठीक है देर आर सर्टेन वट पॉजिटिव इकोनॉमीज ऑफ स्के टन नेगेटिव इकोमीज ऑफ स्केल सी इकनोज ऑफ स्किल है क्या? वैसे इसके ऊपर पूरा आगे जाकर डिटेल डिस्कशन आपको पता ही होगा पर सर इकोनॉमीज इकोनॉमीज एंड ऑफ स्केल जो है उसके ऊपर बाद वर्बली डिस्कस कर लो एक बार के लिए ताकि आप लोग तो बाद में रीडिंग कर सको आराम से सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो होता है जो कि आपका प्रोडक्शन को अच्छा करने की कोशिश करता है स्किल ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि आपको प्रोडक्शन को अच्छा करता है ऑप्टिमाइज करता है बढ़िया करने की कोशिश करता है उसको हम क्या कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट वेन वी टॉक अब इकोनमीज ऑफ स्केल वन वी टॉक अबाउट वॉट डिस स्केल उसका ये मतलब है जो चीज़ें आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी को गिराता है फॉल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डिस इकोनॉमीज स्केल सर में क्या कहते हैं डिस इकोनॉमीज स्केल ठीक है सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो उसके भी दो बच्चे हैं एक एक है scale, एक है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकनॉमी सर इंटरनल एज अ वर्ड सजेस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आपके फैक्टर्स है टेक्निकल इकोनॉमीज मार्जिनल इकोनॉमीज कमर्शियल फाइनेंशियल ये सारे के सारे क्या हो गए आपके इंटरनल ठीक है और सर एक्सटर्नल में क्या आएगा सर एक्सटर्नल में सर आएगा, आएगा आपके ठीक है सॉरी एक्सटर्नल में क्या क्या सर जैसे रॉ मेटेरियल कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं ठीक है टेक्नोलॉजी कैसे चल रहा है स्किल लेबर आपके पास में है या नहीं है तो ये सारे के सारे जो है एक्सटर्नल है तो चाहे जितने भी फैक्टर्स आप देख लो यहाँ पे चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल ठीक है आप किसी भी को भी पकड़ लो आपको समझ में आए टेक्निकल अगर एक फर्म टेक्निकल एक्सपर्टीज को अच्छा रख रहा है ठीक है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा इट विल बिकम इन इकोनॉमी इन इन स्किल बट अगर कोई फर्म टेकनो, है जो जो टेक्नोलॉजी से डरता है ठीक है उसके लिए वो क्या बन जाएगा टेक्निकल डिस इकनॉमी स्किल राइट मैनेजरल अगर कोई बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है फर्म में अच्छे मैनेजर्स हैं कॉस्ट को बचा रहे हैं इट विल बिकम वॉट मैनेज ऑफ स्केल और अगर वही मैनेजमेंट अच्छा नहीं है प्रॉपर डिविजन नहीं है कुछ भी अपने हिसाब से काम चल रहा है कोई सिस्टम नहीं है इट विल बिकम कमर्शियल ठीक है फाइनेंशियल में क्या है कि सर कहां से पैसे उठा रहे हो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं तो रिस्क को प्रॉपरली एड्रेस कर दे इट विल बिकम इकोनॉमीज ऑफ स्केल और अगर रिस्क से डर गए तो क्या हो जाएगा इट विल बिकम इटव इकोनॉमिक तो वही चीजें सेम फैक्टर्स जो फर्म ने अपना लिया ठीक है बाहों में ले लिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑफ स्केल और जिसे डर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे डिस ऑफ स्केल हेंस क्योंकि सर देखो शॉर्ट टर्म में क्या हमें इमीडिएट डिसीजन लेना है ठीक है तो वहां पे तो ऊपर नीचे हो सकता है बट लॉन्ग रन में तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है तब भी यू यूशेप क्यों है बिकॉज सर आपका प्रोडक्शन आपका जो फर्म है किस हिसाब से ऑफ ऑफ स्केल स्केल एंड डिस को स्केर कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंचुअली एवरी फर्म की वजह से कुछ ना कुछ ऑफ स्केल होता है और कुछ ना कुछ डिस ऑफ स्केल होता है हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि सर

आपको ध्यान देना है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो अलग नाम दिए हुए किसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ठीक है के, इसको प्लानिंग कर्व कर्व एग्जाम में बहुत पूछते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें दिया हुआ है सर इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है सर ये देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल जो मैंने मार्क किया उस उसमें सारे पॉइंट्स जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए है वर्बली ठीक है फिर भी डाउट्स रह गए तो मेरे को बताना प्लीज प्लीजा ठीक है इसको हम लोग बोट शेप्ड कर्व भी बोलते हैं ठीक है थेके? बट जितना भी डिस्कशन अभी हमने किया जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कर्व इज यू शेप्ड ठीक है वो तब होता है वेन वे टॉकउट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ठीक है टॉकिंग अबाउट वर्ट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स न्यू क्लासिकल क्या है पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स था फिर न्यू क्लासिकल फिर क्या है आपका मॉडर्न इकोनॉमिक्स ठीक है तो बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स के तहत द शेप इज नॉट यू शेप्ड कर्व इट इज वॉट अ आप क्यों? आप पहुंच गए को, फिर आप क्या करोगे? करोगे। इस तरीके से कि इसका cost जो यही रह जाए। मतलब नॉर्मली न्यू क्लासिकल क्या बोलता है गिरता है फिर है, फिर राइट बट मॉडर्न क्या बोलता है कि सर एक बार जब लोएस्ट जब एक बार आपको सौ मिलना सीख गए एक बार आपको रैंक मिलने आ गया तो आप क्या करोगे उसी परमोटेशन कॉम्बिनेशन कर, से अलग अलग वेरियंस कर ट्राई करोगे वापस से फाइनल में रैंक लाने का सही बात है बिल्कुल यहाँ पे इसीलिए शेप ऑफ कर। पूरे पूरे द कर्व इस एल शेप कर। एक तो आपको यहां मिल गया और एक चैप्टर नंबर टू में किसको किसको याद है मैं देख रहा हूँ चैट में किसको किसको दो एलशेप कर्व याद है एक था इन द केस ऑफ लॉन्ग एंड एवरेज कॉस्ट कर्व इन द केस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ठीक है दूसरा कहाँ था देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स हमने कर लिया ठीक है अगर आप एक जन भूल गया तो याद करो सर याद क्या करें सर हम लोग सर हम लोग ने शुरुआत जो है मार्केट से किया था वहां पर हमने रेवेन्यू वाला पार्ट पढ़ा क्योंकि मार्केट में रेवेन्यू कमाना जरूरी है बट हमको प्रोड्यूसर जो है किस पॉइंट में परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री वेरी गुड ठीक है किस पॉइंट में है हम लोग प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम में, में पहुंचेगा उसके लिए मेरे को चाहिए था रेवेन्यू भी चाहिए था और क्या चाहिए था साथ में सर कॉस्ट भी चाहिए था राइट सही बात है बिल्कुल यहाँ पे तो आइए सर वापिस से मार्केट वाला पार्ट में आ जाते हैं

अब हमने क्या देखा सर यहाँ पे सर हमने ये देखा कि सर पॉइंट ए विल बी नोन एज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन क्योंकि सर शुरू शुरू में बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा होता है रेवेन्यू क्या होता है सर कम होता है हेंस पॉइंट नंबर ए को हम लोग क्या बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट ठीक है बी इज द बेस्ट पॉइंट बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट सबसे मिनिमम है हैर्निंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स बट कोई भी इंसान अपने टॉप फॉर्म में प्रोडक्शन करना नहीं छोड़ता है वो कब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक उसका दो सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगा वो कौन से कौन से है सर वेन्यूर एम आर वेन्यूर एम आर इज इक्वल टू वॉट एमसी एंड एंड मतलब ठीक है एमसी कच दी एम आर कव फ्रॉम वॉट पेलो तब हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर इज एट इक्वीलिपियम ठीक है प्रोड्यूसर इज एट वॉट इक्वी लिपियम ठीक है सही बात है बिल्कुल सेम थिंग कैन इंपैक्ट इन द इन परफेक्ट आल्सो ऑल्सो जहाँ पे एमआर कर्व इज अ डाउनवर्ड कर्व इट कैन बिकम जीरो और नेगेटिव एमसी कर्व एज अ शेप में बी इट इज नो सिचुएशन या जब कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो कोई भी परफेक्ट इन परफेक्ट वाले मुद्दे नहीं आती perfect, पर, और इनपेक्ट वाले मुद्दे जो है केवल रेवेन्यू वाले पार्ट में रहते हैं ठीक है हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे सर तीन पॉइंट बन रहा है वापस एंड नेचुरली पॉइंट पॉइंट सी बिकम्स द ऑफ प्रोड्यूसर आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं प्रोड्यूसर इक्लिबियम क्यों निकाल रहे हैं सर क्योंकि प्रोड्यूसर को जानना पड़ेगा कि वो किस लेवल तक सामान को बनाते रहेगा ताकि उसका आगे जाके लॉस ना हो ठीक है तो सर प्रोड्यूसर इक्लिब्रियम जो है क्यों होगा सर यहाँ पे बिकॉज अगेन वी कैन सी इन द केस ऑफ इन परफेक्ट कॉम्पिटेशन एम आर इज इक्वल टू वार्ड सर एम सी एंड एम सी कर्फ कट्स फ्रॉम बिलो। इससे तहत हमें समझ में आ गया सर रेवन्यू देखते हमें समझ में आ गया रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के तहत हमें समझ में आ गया कि एक प्रोड्यूसर कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहेगा ठीक है ओके सर दूसरा अप्रोच यहां पे क्या था टीआर टीसी टीआरटीसी अप्रोच में सर बहुत सीधी सी बात है ठीक है सर टीआरसी में वी हैच इज वट ठीक है मैंने यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में सर क्यों फोर्टी फाइव डिग्री एंगल है बिकॉज गैप जो है ना टी आर में चेंज जो है गैप का वो बिल्कुल सेम है और कभी भी गैप सेम होता है तो क्या होता है आपका इट इज अ फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पे बनता है

one way is known as the normal profits the other is known as the super normal profits and a firm can earn what losses ठीक है? sir so, super normal profits कब कमाएगा जब tr equal to tc होता है अगर मैं दोनों लेवल पे q q से डिवाइड कर दिया तो i'll get what average revenue equal to average cost yani कि sir कभी कभी total revenue and total cost की जगह में अगर हम लोग ने average revenue and average cost को ले लिया तो बात बिल्कुल सही है the position in which ar equal to ac will be known as the point of what earning normal profits ठीक है? when it comes to super normal profits क्या होगा सर अगर आपका ar is greater than ac theek hai ठीक है तो हमें क्या हम क्या अर्न कर रहे हैं हम कर रहे अर्न कर रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस कब कमाते हैं सर हम लोग जब AR is less than what? AC. जब इज इज लेस लेस देन देन तब जैसे फॉर्म कमाता है सर एक कमाता है ठीक है फॉर्म कमाता है लॉसेस सही बात है बिल्कुल यहाँ पर हाँ सर, सर बिल्कुल समझ में आ गया इस बार हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दिस आर ऑल डन ओके यहाँ पे एक पॉइंट था सर जो कि डिस्कस नहीं किया बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये आप लोग भूल भी चुके होगा मेरे हिसाब से द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर टी आर एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ

रिलेशनशिप बिटवीन वॉट एम आर टी आर ठीक है कब अपना firm को बंद कर देना चाहिए शटडाउन पॉइंट तो सर सर दो टाइप कॉस्ट लगता है अगर एक फॉर्म जो है फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है तो उसको वेट करना चाहिए ताकि फॉर्म जो है वो अपने फिक्स कॉस्ट को कवर अप कर पाए ठीक है बट अगर एक फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर अप नहीं कर पा रहे फर्म इज नॉट एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट तो एक फॉर्म को क्या कर देना चाहिए अपने फर्म को क्या कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन ये हमने ऑलरेडी कर लिया है तो ठीक है द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट

क्वालिटी होता है ठीक है और जब भी कुछ अच्छा होता है शिफ्ट इन द डिमांड का अगर कुछ भर रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा और कुछ कम होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा सही है ना राइट वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा जब भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा जब भी राइट वर्ड शिफ्ट होगा न्यू पॉइंट ऑफ अ न्यू

कम हो जाएगा एंड अगर सप्लाई कम होगा तो प्राइजेस क्या हो जाएगा सर आपका ज्यादा हो जाएगा सर जो भी राइट में है उसको मानने का ठीक है क्योंकि राइट में एस है तो ऊपर का पार्ट क्या रहेगा सर आपका एक्सेस सप्लाई नीचे में राइट में डी है तो नीचे का पार्ट क्या रहेगा सर एक्सेस डिमांड वेरी गुड ठीक है चलेगा बिल्कुल यहाँ पे ओके सर उस तरीके से सर अपने को पहले क्या करना है चार्ट देखने का चार्ट देख के गोल्डन रूल अप्लाई करने का उससे अपने आंसर मिल जाएगा और नया इक्विलिब्रियम प्राइस को पता देने का इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा ठीक है हाँ जी सर, आगे बढ़ जाओ कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है हाँ सर तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स हम लोगों ऑलरेडी कर लिए थे सर ठीक है अगर केवल दो पॉइंट पहले के तीन पॉइंट अगर कवर होते हैं क्या क्या सर लास्ट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होमोजिनियस गुड्स एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट तो उनको हम लोग अगर केवल तीन कंडीशन है तो क्या बोलते हैं उसको साथ में हम लोग प्योर कॉम्पिटिशन भी बोलते हैं यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अगर सारे फीचर्स आ जाते हैं तब तो उसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलेंगे केवल तीन फीचर्स रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको प्योर कॉम्पिटिशन ठीक है ठीक uh, है देख लेता हूँ यहाँ तो मुझे एक बार के लिए थम्सअप दे दो एक बार के लिए अगर सबका चीज़ें तो है बिल्कुल क्लियर है या नहीं है एवरीबॉडी ठीक है ओके okay. ठीक है आइए ठीक है जस्ट जस्टर शिप ऑफ वाटर दैट वोटर गर्म ले लिया ताकि थोड़ा आराम मिल जाए सर हमने ना परफेक्ट प्रॉफिट कॉम्पिटेशन देखा तो सर अभी हमें डिटरमाइन क्या करना है सर हमें मार्केट समझ लिया उसकी टाइप्स को समझ लिया राइट right? उसके टाइप्स को भी समझ लिया हमने सर और हमने रेवेन्यू भी समझ लिया हमने कॉस्ट भी समझ लिया अभी डिटरमाइन करने का क्या है सर हमें कि एक फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है या फिर लॉसेस कमा रहा है पैरा डिस्कशन किसके ऊपर करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ

ठीक है तो ये पॉइंट ई e हो गया जहां पे अपन प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ ध्यान देना सर कौन सा कर्व ऊपर है नेचुरल सा बात है एग्जाम में आप लोग को कर्व नहीं बनाना है अभी ठीक है ना समझिएगा बात को कर्व आपको को नहीं बनाना है इसलिए ध्यान दीजिएगा कौन सा कर्व ऊपर है सर आप देख पा रहे हो रेवेन्यू कर्व ऊपर है कॉस्ट कर्व नीचे है देखिए आप लोग यहाँ पर रेवेन्यू कर्व ऊपर है कॉस्ट कर्व नीचे है फॉर्म इज अर्निंग वॉट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ठीक है जब आप देखोगे यहाँ पे कि रेवेन्यू ऊपर है कॉस्ट नीचे देखो यहाँ पे कॉस्ट पे नीचे है तो अल्टीमेटली फॉर्म इज अर्निंग वट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है फॉर्म इज अर्निंग वट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ओके ठीक है उसके बाद सर क्या देखेंगे सर हम लोग यहाँ पे ये रहा सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखो यहाँ पे दो तो तीन चीज देखना आपको सर क्या देखना आपको ठीक है कभी कभी देखो वो जब ड्रॉइंग करते हैं ना क्वेश्चन बैंक में तब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा गड़बड़ करते तो वहां पे इतना के से यहाँ पे आपका। रहा, आपका क्या है सर, आपका रेवेन्यू है आपको दिस विल बी नोन एज फॉर अर्निंग वट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो थ्री स्टेप पॉलिसी याद होगा आपको सबसे पहले क्या करना आपको इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर लो फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करो

ये रहा रेवेन्यू कर्व ये रहा कॉस्ट कर्व नेचुरल सब देखिए आपके लिए ये रहा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या देख रहे हो सर कॉस्ट कर्व इज अबव द रेवेन्यू कर्व हेंस फर्म इज अर्निंग व्हाट लॉसेस अ फर्म इज अर्निंग व्हाट लॉसेस ठीक है ये रहा मैंने आपके लिए प्यार से यहाँ पे बनाया भी था ठीक है देख रहे हो याद कर रहे प्यार को ठीक तो है तो एटीसी कर्व ऊपर है रेवेन्यू कर्व नीचे है दोनों के बीच में गैप क्या है

तो बैरियर्स तो रह गई हर किसी को अगर एंट्री करने दे दोगे तो काम चलेगा नहीं चले ना बस आके ठीक है क्लोज नहीं है क्लोज होता तो मोनोपोली नहीं चलता और मार्केट में एक अच्छा खासा पावर है यू टेंड टू डू वॉट यू कैन डिस्क्रिमिनेट द मार्केट ठीक है मोनोपोली कैसे क्या राइस होता है ये आप लोग अभी लास्ट पॉइंट में सेल्फ कर लीजिएगा पेटेंट से कॉपी राइट से आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गया है गवर्नमेंट ने बोलते हैं कि भाई आप जो है आप ही प्रोड्यूस करोगे उसको नेचुरल मोनोपोलीज भी बोलते हैं ठीक है नेचुरल मोनोपोलीज क्या होता है सर जो सर क्या होता है कभी कभी ट्रांसमिशन लॉस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि आप ही प्रोड्यूस करो ठीक है तो उसको क्या बोलता था नेचुरल मोनोपोलीज ठीक है अगर भूल गए हो तो प्लीज मुझे रिपीट में डाल दीजिएगा रिपीट वर्ड डाल दो यहाँ पे तो मुझे समझ में आ जाएगा ठीक है मोनापोलीस रेवेन्यू कर्व कैसा होगा सर क्योंकि सर ईडी इज लेस देन वन ठीक है इलास्ट ऑफ डिमांड इज लेस देन वन प्राइस की वजह से अच्छा खासा डिमांड अफेक्ट नहीं होता है इन द केस ऑफ मोनोपोली हेंस ईडी इज लेस देन वन तो कर्व क्या रहेगा आपका स्टीपर इन नेचर का रहेगा चार्ट देखिएगा बिल्कुल यहाँ पे ठीक है थोड़ा इसमें गड़बड़ बनाया होता आपको याद ही होगा इसमें हमने इसमें बुक में करेक्ट करवा दिया था आपको थोड़ा तो स्टीपर कर्व रहेगा आपका देखिए ए आर कव एंड एमआर स्लोप एम आर इज ट्वाइस अच्छा ये पॉइंट अच्छा था एम आर कव जो बनाएंगे हम लोग इज ट्वाइस दैट ऑफ ए आर कर्व ठीक है मतलब कि अगर हमने ऐसे बनाया ना तो ये और ये इसके बीच में गैप किया डबल का गैप है ठीक है ए आर नेगेटिव बट एम आर कैन बी जीरो और नेगेटिव ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है सो क्या ध्यान देना बताइए ठीक है ये कौन सा कर्व है सर सर एम आर कर्व दिख रहा है ए आर कर्व आपको दिख रहा है ठीक है लाइफ में आपको दिख रहा है एमसी कर्व क्यों बनाया सर जिस पॉइंट में एम आर एंड ए आर क्या होगा सर

बट करना बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल एंड विल ऑलवेज हैपन इधर सी हमारे यहाँ पे केस में तो लिया नहीं है बट क्या दिया हुआ है तो हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे सर इस पॉइंट से, से कहा जाएंगे ऊपर जाएंगे ताकि अब यहाँ जो ये पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट ये पॉइंट जो है आपका दिस लाइन इज नोन दो ए आर लाइन समझ में आया कि नो डाउट के सर डाउटम तो यहाँ पे है पर हमें ऊपर 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 इन ए आर जाना पड़ेगा ताकि हम लोग को ए आर वाला कर्व

एपी क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा so है एपी वाला पोर्शन सर इट इज रिप्रेजेंटिंग द ए वाला पोर्शन ठीक है प्लीज पार्टिसिपेट करेगा जो लोग भी ऑनलाइन हैं ठीक है एपी कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज रेवेन्यू कर्व एपी कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज रेवेन्यू कर्व बीसी कर्व इज रिप्रेजेंटिंग वॉट द कॉस्ट वाला एसी कर्व एज यू कैन सी ए आर इज ग्रेटर देन प्लीज इक्विलिब्रियम पॉइंट में आके कंफ्यूज ना होइएगा इस पॉइंट में कंपेयर नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ इतना बता रहे है, कितना प्रोड्यूस करने का फिर ऊपर जाने का चेक करने का ए आर कितना है ए टी सी कितना है कंपेयर करने का ठीक है ना तो सिंस ए आर इज ग्रेटर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखिए यहाँ पे सब आप एक क्लास के नोट है ताकि आप लोग एकदम नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आ जाए ठीक है

क्योंकि सर मोनापली है राइट मोनापली क्रिएट क्यों किया गया ताकि मैं एक मार्केट में अच्छा खासा एडवांटेज उठा सकू तो अगर लॉन्ग रन में मुझे लॉसेस कमाना पड़े तो फायदा है क्या नहीं सर कोई फायदा नहीं है द लॉन्ग रन इट इज अज्यूम ठीक है कि एक फर्म जो है इन द केस ऑफ मोनापली ठीक है विल ऑलवेज मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट वो हमेशा जो है ठीक है इट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू मेक वट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है क्योंकि आप अगर इतने दिन तक मोनापली हो आप अगर चला रहे हो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में यू टेन टू तो अर्न लॉसेस ठीक है आपने देखा कि मार्केट में पेनीट्रेड करने के लिए एक बार के लिए मैं लॉसेस सेल भी लिया मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा लिया बट इन द केस ऑफ लॉन्ग रन लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आप मार्केट में हो आप अकेले ही हो उसके बावजूद लॉस करो तो क्या फायदा भाई इसलिए फर्म इन द केस ऑफ मोनोपली इन द केस ऑफ लॉन्ग रन विल ऑलवेज अर्न वॉट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दीजिएगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिश इन द लॉन्ग रन ऑल द विल अर्न फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द केस ऑफ ऑल द फर्म इन द लॉन्ग रन विल अर्न वॉट सुपर नॉर्मल विल ऑलवेज अर्न ठीक है। so, क्या लिखा हुआ सर आपका so, next topic है आपका so, ध्यान दीजिएगा, का मतलब क्या है कि आप दो अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो ठीक है आप अगर मतलब मार्केट में दो अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और ये हरकत जो है ये जो काम है वो केवल और केवल कौन कर सकता है मोनोपली ही कर सकता है यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो बहुत प्यारा काम है वो कौन कर सकता है खाली मोनोपली कर सकता है बट से कुछ कंडीशन है वो कंडीशन को देख लीजिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ठीक है नंबर वन सेलर जो है उसके एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना चाहिए ऑन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मैं ही हूँ एप्पल जैसे था एप्पल का एग्जांपल मैंने दिया था आपको एप्पल का एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसके पास है आईफोन का एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसके पास में एप्पल के पास में ही है मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ कितना मुझे यूनिट्स बेचना है कहाँ बेचना है कैसे बेचना है तभी मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाऊंगा

क्यों करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सर प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए अपने जो एक्सेस स्टॉक बच गया उसको बेचने के लिए एक इकोनॉमिकल स्केल को एंजॉय अच्छा करने के लिए फॉरन मार्केट्स को अचीव करने के लिए डायरेक्टली आ जाए चार्ट में ठीक है ये रहा चार्ट सर दोनों सब मार्केट ए एंड सब मार्केट बीज आर टू डिफरेंट मार्केट्स एज यू कैन सी पहले वाले केस में इट इज लेस देन वन और जब भी हम मार्केट में बेचते हैं जैसे एप्पल का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको एप्पल आईफोन बेचेगा शुरू शुरू में वो कौन से मार्केट में बेचेगा जहां पे, पे लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है लोग बात को प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहां पहले बेचेगा मार्केट में उसके बाद जब एक बार वहां से बिकने खत्म होने लग गया तो वो कहा बेचेगा आपका इन द सब मार्केट टू पे ईडी मोर देन इन दोनों मार्केट्स को मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा सर टोटल मार्केट ऑफ द मोनोपली हमारे केस में क्या था सर एप्पल का था ठीक है ये दोनों मार्केट को जब मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा टोटल मार्केट का जहाँ पे दोनों मार्केट जो, जो जोड़ा तो क्या देखा हमने शुरू शुरू में लेस देन फिर बाद में क्या हो रहा है तो अभी बात है पहले आप कहां बेचते हो सर सब मार्केट ए में जब लेस देन ईडी फिर आप कहां बेचते हो सब मार्केट बी में जहां ईडी मोर देन वन और दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा टोटल मार्केट मिलेगा और ये हरकत कौन कर पाएगा खाली और खाली बुनावली ही कर पाएगा दिस वॉज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन

मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ठीक है ना इन द केस ऑफ व्हाट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन तो होगी ठीक है कंपटीशन तो होगी बट साथ ही साथ आपका थोड़ा ब्रांड का थोड़ा नॉन प्राइस कंपटीशन भी चलता रहता सा बात है ठीक है इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईडी इज व्हाट ग्रेटर देन समझिएगा बात को अगर चांस दिमाग से ईडी मोर देन निकल गया है इसका मतलब क्या था सर ईडी का मतलब था कि सर प्राइस चेंज करने की वजह से अगर डिमांड में बहुत फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है तो ईडी विल बी व्हाट मोर देन वन

ठीक है अगर ए आर इज मोर देन ए सी तो क्या फॉर्म कमाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सेम पॉइंट में अगर है तो क्या कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट और अगर ए सी इज मोर देन ए आर तो क्या कमाएगा लॉसेस ये दोनों डिफरेंस आप को रिवाइज करना था आप लोग प्लीज तरफ से देख लीजिए ठीक है दैट मी ठीक है तो द लास्ट टॉपिक ऑफ मार्केट्स आई होप कि आपने जो मार्केट्स का रिवीजन किया है पहले ही फेज में जहां आपने प्रोडक्शन को भी टच कर दिया कॉस्ट को भी टच कर दिया वो आपको मजा आ गया मुझे बताइएगा ठीक है क्योंकि इतना ढास्व रिविजन तो मेरे हिसाब से हो गया होगा मेरे हिसाब से तो, तो बढ़िया रिविजन हुआ है ठीक है बट मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा लगेगा अच्छा हो रहा है आप बताओ कि कैसा रिजन हुआ ठीक है ओके okay, एक से प्ले लेता ठीक है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज वट ऑलिगोपॉली ठीक है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज वट द लास्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज वॉट ऑलिगोपॉलिक सर ऑलिगोपॉली में हॉलीडे सर पहले फीचर्स देख लेते हैं एक बार के लिए प्यार होने के बावजूद भी सब अलग अलग आइडेंटिटी होल्ड करते हैं आपस में इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बिहेव लाइक अ ग्रुप ठीक है तो आपस में टकराव भी है तो प्यार भी है क्या रिश्ता है ऑलिगोपॉली का ठीक है इसे कई सारे टाइप्स दिए नंबर वन इज प्योर और द परफेक्ट ऑलिगोपॉली ठीक है जब दोनों जब प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं एकदम सेम होते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स इट इज नोन एज प्योर और परफेक्ट ऑलिकोपॉली प्लीज रीड द टाइप्स ठीक है एग्जाम्पल पेट्रोलियम स्टील एलुमिनियम इसमें कुछ डिफरेंस हो नहीं सकता आप भी वही डील करोगे मैं भी उसी में डील करूंगा सच फॉर्म ऑफ ऑलिकोपॉली इज नोन एज द प्योर ऑलिकोपॉली और द परफेक्ट ऑलिकोपॉली नेक्स्ट क्या है आपका परफेक्ट और क्लोज्ड ऑलिकोपॉली ओपन इकोनॉमिक सॉरी ओपन ऑलिकोपॉली क्या है सर ओपन ऑलिकोपॉली का मतलब है जहां पे नए फर्म्स लोग मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं ठीक है कोई रुकावट नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आप चाहो तो एंटर कर जाओ ओपन जहां पे आप एंट्री अलाउड नहीं रहे हो रेस्ट्रिक्टेड रखे रखे इंसान स्टील इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकता हर एक नेक्स्ट क्या, बोलते है हम Next, क्या है आपका ठीक है कक्सिव ऑलिकोपॉली एंड पे क्या होता सर जहां पे सर अगर फ्यू फर्म्स ऑफ दोपॉली कम टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एक्ट एज ए कलूजन ठीक है जब प्राइस वगैरह फिक्स हो रहा है सब लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं मिलकर अगर सेट कर रहे हैं आपस में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर कक्शन सब मिल बात के कर रहे हैं प्राइसिंग भी सेट कर रहे हैं मिल बात के कर रहे हैं एंड जब आपस में कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं कि हाँ ऑलिकोपॉली तो है बट आपस में सब लोग कॉम्पिटिशन है ठीक है ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में उसको क्या बोलते हैं बोलता है ऑलिकोपॉली सर पार्शियल एंड फुल ऑलिकोपॉली का मतलब क्या इज पार्शियल द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाई वन लार्ज फॉर्म ठीक है मतलब वो नाम का ही ऑलिकोपॉली एक मेन फॉर्म है उसके तहत ही बहुत सारे फॉर्म है उसको अपन क्या बोलेंगे

ठीक है सर इसका जो कर्व था वो क्या था सर आपका ये प्राइस लीडरशिप आप लोग प्लीज सेल्फ कर लीजिएगा प्लीज ओनर्स कार्टल्स कार्टल्स की वजह से फॉर्म होता है आप लोग कार्टल्स फॉर्म करते ताकि लोग है एक डोमिनेटिंग फॉर्म की तरह काम कर सके ठीक है क्योंकि अगर मैं आपस में लड़ रहे हैं हम लोग तो किसी का भी फायदा नहीं होगा तो तो ग्रुप्स देखो आप अकेला लड़ने गए लोग कम डरेंगे ग्रुप जाएगा लड़ने के लिए तो खूब डरेगा तो टेन इस हिसाब से प्राइस को लीडरशिप रखने के लिए ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां पे पक्की बात हंड्रेड परसेंट हो यहां तक ठीक है सॉरी समझ में आ गया आपको एंड द शेप ऑफ द ओलिगोपॉली इज व्हाट किंग्ड शेप डिमांड कर्व इट इज व्हाट किंग्ड शेप डिमांड कर्व सर किंग्ड शेप डिमांड कर्व क्या होता है सर किंग्ड शेप डिमांड कर्व में इट एमार्गमेशन ऑफ टू कर्व्स एक में जहां पे ईडी इज मोर देन वन

ट में सर वोनोपॉली मतलब जब मार्केट में कितने सेलर है? मतलब, मतलब right? है एक सेलर मार्केट में एक ही बेचने वाला है जनरली क्या होता है सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है जनरली ठीक है वो लोग का फैक्टर मार्केट्स ठीक है एग्जांपल क्या है इसका फैक्टर मार्केट दिमाग में रखिएगा एग्जाम्पल क्या है फैक्टर मार्केट्स तो फैक्टर मार्केट से पहले क्या होता है एक ही सप्लायर होता है ठीक है अगर सॉरी एक ही बायर होता है तो अगर एक ही बायर मैं ही खरीदूंगा सब कुछ तो वो क्या हो गया मोनप्सोनी मोनोपॉली इज वन सेलर मोनोप्सोरी इज वॉट वन बायर ऑलिकोपनी मतलब क्या हो गया टू सॉरी फ्यू बायर्स क्या बोलेगा भी सिमिलरली इन द फैक्टर मार्केट से होता है फ्यू बायर्स मोनोप्सनी में क्या हो गया एक ही बायर है ऑलिकोपॉली में थोड़ा सा ज्यादा है बट कम है कम बायर्स है फ्यू बायर्स बायोलेटर मोनोपोली क्या है बायोलेट्रल मोनोपोली जहां पे एक ही बायर और एक ही सेलर है ठीक है जहां पे क्या है सर एक ही बायर है और एक ही सेलर है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोनापली मार्केट एंड ऑफ द मार्केट चैप्टर अगर आपको मजा आया चैप्टर को देखते हुए और थोड़ा जो रिविजन हमने किया कॉस्ट को मिला के प्रोडक्शन को मिला के और अगर आपका जोश में अभी भी हो तो मेरे को बताओ ठीक है अप ताकि मैं आगे बढ़ सकूं Thank mm -hmm. you. सर so, हम लोगों ने इसके पहले प्रोडक्शन चैप्टर को किया था ठीक है उस प्रोडक्शन चैप्टर के तहत ठीक है हम लोग का कुछ थ्योरी वाला पोर्शन था जो कि हमने वर्बली डिस्कस नहीं किया था वैसे तो हम लोगों ने प्रोडक्शन डायरेक्टली हम लोग कॉप डग्रेस पे चले गए और शॉर्ट टन एंड लॉन्ग रन के तहत लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन डिस्कस किया एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल डिस्कस किया हमने सही बात है बिल्कुल यहाँ पे हाँ सर यहीं पे डिस्कस किया था हमने ठीक है बट कुछ थ्योरी पोर्शन था जो बच गया था हमारा ठीक है वैसे तो फटाफट इसको ब्रश ओवर ही करूंगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए ठीक है प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन कहते हैं ठीक है वन सेकेंडेट दे दो ठीक है तो सर uh, प्रोडक्शन का मतलब क्या, था? Sir, the... sir, इसमें क्या बोला जेम्स बेट्स एंड जे पार्किसन वो आप दे सकते हो तो एकदम ईजी है ठीक है उसमें कुछ यूटिलिटी का बात था अगर हमारा फिजिकल इनपुट्स इज कन्वर्टिंग इंटू फिजिकल आउटपुट यानी कि हमारा जो है प्रोडक्शन में फॉर्म का चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अगर एक जगह है जहां से हम लोग एक्सट्रैक्शन की वजह से एक्सट्रैक्शन की वजह से यूटिलिटी चेंजिंग उसको क्या बोलेंगे हम लोग प्लेस यूटिलिटी उसके बाद टाइम यूटिलिटी ठीक है जैसे फसल है फसल का शुरू में कोई वैल्यू नहीं है बट आगे जाके इट टेंस टू डेवलप इनटू गुड फ्लावर्स इसको बोलते हैं हम लोग टाइम यूटिलिटी सर्विसेज पर्सनल स्किल्स वगैरह यूज करने को ऑल सो आ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पोर्शन ठीक है एकदम फटाफट जा रहे हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट इस वाला पोर्शन में रह गया है तो मेरे को प्लीज बता देना ठीक है मैज्यूमिंग की थ्योरी पोर्शन आप लोग का ऑलरेडी क्लियर है इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ डोंट टेक इट की भैया ने फटाफट फ़ड़ उड़ा दिया ठीक है ऐसा बात नहीं है जूमिंग सब पर्सन आप लोगों को पहले से पॉलिसी क्लियर है काफी बार रिपीट हुआ चुका है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेबर कैपिटल एंड ठीक है अब मैं इस पार्ट में नहीं जा रहा हूँ लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर पैसिव नेचर का होता है ठीक है उसका खुद का जो है इट इज इन मोबाइल नेचर मतलब खुद यूज नहीं आ पाएगा उसके ऊपर किसी को काम करना पड़ेगा तभी लैंड का वैल्यू आएगा अदरवाइज वैल्यू नहीं आएगा लेबर क्या होता है सर लेबर का भी कुछ फीचर्स दिया हुआ है ह्यूमन एफर्ट पेरिशेबल नेचर नेर एक्टिव फैक्टर देखिएगा इसके ऊपर सवाल आता है ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको कैजुअली सोच के छोड़ दिए मैं इसको फटाफट इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज जो टेक्निकल है उसको ज्यादा हाईलाइट करने का मेरे को मन है इस वजह से दे हैव पुअर बार्गेनिंग पावर्स ठीक है तो इसे पार्ट है कैपिटल में सर अलग अलग टाइप के कैपिटल दिए हम उसमें इम्पोर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बाकी कैपिटल बहुत सिंपल है इस से सर्कुलेटिंग कैपिटल सो सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है जिसको एक बार यूज किया जाता है वो कैपिटल जो एक ही बार प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट में बनेगा सिंगल फंक्शन है सिंगल यूज है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल ठीक है चलेगा बिल्कुल यहाँ पे और इनके स्टेजेस है तीन स्टेजेस है आपके कैपिटल फॉर्मेशन के तीन स्टेजेस थे आपके ठीक है वो तीन स्टेजेस क्या क्या है आपको कैपिटल फॉर्मेशन के नंबर वन इज नोन एज सेविंग्स सबसे पहले देखो अगर कैपिटल को फॉर्म करने के ठीक है कैपिटल मतलब क्या है जिससे मैं आगे जाकर प्रोडक्शन करूंगा बराबर ठीक है तो कैपिटल अगर मेरे को फॉर्म करने का तो तीन चीजें हैं मेरे पास नंबर वन क्या है आपका सेविंग्स पैसा जो है लोगों के पास जमा होना पड़ेगा अगर लोग ज़्यादा खर्चा करेगा तो सेविंग्स कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट कभी क्या चाहेगा कि सेविंग्स अपन दबा के करें उसके बाद अपन क्या करेंगे सर उस सेविंग्स को जिसके पास सेविंग्स है उसको उनको देना है जिनके पास में जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स क्या बोलते हैं अपन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड फाइनली जो पैसा अगर आ गया किसी के पास में तो उसको क्या करेगा वो इन्वेस्ट करेगा इंटू रियल कैपिटल एसेट्स इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का कई सारे फंक्शन बिजनेस को इनिशिएट कौन करता है रिसोर्स को इकट्ठा कौन, कौन करता है कोऑर्डिनेट कौन आपका वो करता है आपका ऑन्टर रिस्क कौन बियर करता है अनसर्टिनिटी कौन बियर करता है वो कौन है आपका ऑनटरप्रिनोवेशन एज पर कंप्यूटर याद करो कंप्यूटर का जो है इनोवेशन इज देयर इन द बिजनेस साइकिल्स चैप्टर ओके या ठीक है एंट्रपेस कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स है लाइक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स जहाँ पे उसको बिजनेस को सर्वाइव करना है ग्रोथ करवाना है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सिंपल भैया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का प्रॉफिट कमाने का क्या कमाने का मेरे को प्रॉफिट कमाने का ओके okay. ठीक है इसमें मैंने डिस्कस कर लिया कि सर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम दिया है जीरो प्रॉफिट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ठीक है देख लीजिएगा ये मेरे दिमाग में फटक से दिमाग में क्लिक वायरी आप भी भूल सकते शायद नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या दिया हुआ है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ओके सर पार्ट से डिस्कस कर लिया मैंने ऑलरेडी सोशल ऑब्जेटिव क्या है कि सोसाइटी इन जनरल का वेलफेयर के बारे में भी आपको सोचना है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सारे एम्प्लॉयज को प्रॉपरली यूज करें सबको पार्टिसिपेट कर देख प्रॉपर वर्क क्लाइमेट बनाए ठीक है नेशनल क्या है देश की तरफ भी आपका रेस्पॉन्सिबिलीज है कि आप जो है इन को पूरा करें नेशनल नेशन को प्रायरिटी रखें ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी ट्रेड कर लिए आपके खुद के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कुछ प्यार होना चाहिए अपने देश की तरफ ठीक है ठीक है नाउ नेक्स्ट इन परसुट ऑफ दि दिस ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आपके आ सकते हैं वो क्या क्या कॉन्स्टेंट है नंबर वन आपको आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है ठीक in तो है आप कुछ रेस्ट्रिक्शन आगे इम्पोज इन पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है नेक्स्ट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है बट उसको लेके जाने का सुविधा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिकुसी है बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो है चेंज हो गए टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज हो गए टैक्स ज्यादा रहने लग गया सब्सिडी हट गया इसके चक्कर में भी आपके कॉन्स्टेंस आते हैं इवेंट्स लाइक इन्फ्लेशन राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स अन फेवरेबल एक्चेंज आर ऑल कॉन्स्टेंट जो कि एक बिजनेस को एक एंटरप्राइजेस को हैंडल करना पड़ता है ठीक है लास्ट पॉइंट क्या है आपका सर एंटरप्राइज के प्रॉब्लम करने का किस का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा ठीक है क्वालिटी को मेंटेन करेगा या नहीं करेगा क्या वो इनिशियल प्रॉफिट के चक्कर में खूब प्राइस में चार्ज कम देगा या फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, नहीं मेरे को प्राइस कॉन्सेंट रखने का मेरे को लोकेशन एंड साइज सर वो कहाँ पे आपको बिजनेस सेटअप करने का एकदम पॉश एरिया में सेटअप करने का एकदम हाईली एकदम बिजी एरिया में या आपको नया जगह में स्टार्ट करना चाहते हो ठीक है किस हिसाब से किस साइज का प्लांट को सेटअप करोगे स्मॉल साइज प्लांट मीडियम साइज या लार्ज प्रॉब्लम राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज ठीक है कि आप जो है किस हिसाब से फिजिकल फैसिलिटीज को सिलेक्ट करोगे बहुत हाईली टेक मशीनरी वाला एकदम झकास सेटअप करोगे या फिर थोड़ा सा मैनुअल थोड़ा सा वैसे या फिर पूरा मैनुअल ऐसे सेटअप करोगे वो डिसाइड करना करें तो प्रॉब्लम फिनेस खुद का पैसा कितना लगाना है बाजार से कितना पैसा उठाना है बैंक से कितना पैसा उठाना है उसको रिलेटेड प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सर किस हिसाब से आपने तो लेयर को डिवाइड किया है कौन टॉप में कैसे कोर्डिनेटेड है सभी लोग एक ही इंसान भोजन काम कर रहे हैं स्पेशलाइज है कुछ कुछ लोग किस हिसाब से लोगों को एलोकेट करके रखा है मार्केटिंग सर मार्केटिंग कैसे करने का आइडेंटिफाई करना कौन सा एक्चुअल मार्केट है इसके लिए चार पॉइंट था फोर पीस

ठीक है डन विद चैप्टर नंबर थ्री ऑल्सो एंड चैप्टर नंबर फोर ऑल्सो ठीक है दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं चलो टेक अ मिनट ऑफ ब्रेक सेवन फिफ्टी ठीक है लेट्स अगेन स्टार्ट सेवन फिफ्टी वन

फर्स्ट यूनिट ऑफ चैप्टर नंबर टू किसके ऊपर फोकस करता है इट फोकसेस ऑन मेनली वन वर्ड व्हिच इज व्हाट यूटिलिटी ठीक है व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी कोई भी सामान आपको कितना सैटिस्फैक्शन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूटिलिटी बोलते हैं इसके तहत देयर वर टू अप्रोचेस वन वाज नोन एज द मार्जिन यूटिलिटी अप्रोच एंड द अदर नोन एज द बहुत प्यार से हम लोग कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं एंड द अदर वाज नोन एज व्हाट

आगे में सर curves, हो गए ठीक है, है क्या सर हाँ सर कुछ एग्जाम कुछ ज्यादा ही है और कई सारी चीजों में लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है जैसे कि इन द केस ऑफ प्रिस्टिजियस गुड्स हॉबीज क्रिएटिव आर्ट्स कुछ अगर आदत बनाने वाली चीजें हैं उसके कहते हैं तो आपका क्या होता है कि आप जो है ठीक है आप जो है क्या नहीं कर सकते इस पर लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता ठीक है नेक्स्ट जो परसों इंपॉर्टेंट था, था सर क्योंकि वो दोनों ही अप्रोचेस में हमारे लिए कॉमन रहेगा वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच जिसके तहत हमने ये डायग्राम देखा था कि सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है पैसा वसूल सिचुएशन या फिर द स्टेट ऑफ रेस्ट राइट इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट ठीक है ठीक है वन सेकंड है जस्ट कॉल मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं ठीक है सर ये मैं बोल रहा था आपको कि सर हम लोग बहुत फटाफट चल रहे हैं अच्छा ठीक है मैं बताता इस चैप्टर में, हम ने के बारे में किया, Sir, का मतलब क्या था कंज्यूमर इक्वलिम वेर द कंज्यूमर अ स्टेट ऑफ व्हाट रेस्ट अ स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि वो पैसा वसूल सिचुएशन में था पैसा वसूली के लिए हमें दो चीज चाहिए एक चाहिए दाम यानी प्राइस और दूसरा क्या चाहिए आपको यूटिलिटी नथिंग बट एंड प्राइस है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इट बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव दोनों DMU, what, constant, what, what, curve, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए फिर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स तो ये क्या होगा आपका

स्टेट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस तो जहां पे पॉइंट ई e है उसके ऊपर जो भी पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस ठीक है उसके नीचे जो येलो वाला पोर्शन है वो तो दिमाग में बात करने दरकार ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है सर आप जो दाम दे रहे हैं है तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें तो ही बेटर रहेगा सही बात है बिल्कुल बट ये जो एम यू एक्सिकल टू पी एक्स है सॉरी वॉट इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी अगर मोर देन वन कमोडिटी होगा तो क्या होगा सर सर अगर मोर देन वन कमोडिटी होगा तो से प्रोडक्ट एक्स है तब कब होगा इक्विलिब्रियम जब एमयूल टू पी एक्स इक्वल टू पी एक्स होता है तब होता है ठीक तो, है तो मैंने क्या किया पी कि एक्स को नीचे आ गया, what? Mux Px what? Y. वो एक पहुंचेगा जब एमयू वाई इज इक्वल टू वॉट पी वाई सेम चीज मैंने किया पी वाई को नीचे लेके चला गया मैं. तो क्या होगा आपका सर एमय बाई पी वाई इज इक्वल टू वॉट ठीक है, दोनों के आर एच से एस सेम है तो अल्टीमेटली वॉट वी कैन से बोल सकते हैं क्या है आपका बजट है सर मतलब कि अगर सर ये दोनों इक्वल है और ये मेरे बजट के अंदर आ रहा है ठीक है ये दोनों क्या है सर इक्वल है और ये मेरे बजट के अंदर आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सर इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ वॉट इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ वॉर्ट

तो इसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किया था ये आप लोग देख लोगा देखना है तो आपको मेरे हिसाब से वाला पार्ट आपको अभी आ जाएगा ना ठीक है ओके okay. नेक्स्ट सर ये क्या डिस्कस किया था हमने सर सर देखिए हमने देखा था कि हमने ये सीखा सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बराबर हमने सीखा था कंज्यूमर सरप्लस तो एनीथिंग अबाउट द पॉइंट वेयर इज द पॉइंट ऑफ व्हाट कंज्यूमर सरप्लस ठीक है क्या कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है क्या कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है हाँ सर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज तो आराम से हो सकता है अगर प्राइस बढ़ गया अगर कोई सामान का प्राइस क्या हो गया बढ़ गया तो नेचुरल से क्या होगा There'll be a new equilibrium point. Hence, consumer surplus जो पहले पहले इतना था, वो अब क्या 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 वाल तो क्या हो 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 गया? गया। गया गया गया, केवल वाला रह तो तो कंज्यूमर है? सर? सर सर? कम हो चुका। और अगर घट तो जाएगा सर? पहले से बढ़ जाएगा ठीक है तो अगर प्राइस बढ़ गया है तो कंज्यूमर सरप्लस गिर जाएगा एंड अगर कंज्यूमर अगर प्राइस घट गया है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा डिस्कस ऑलरेडी कर लिया ठीक है सब चीजें हो जाएगी आपकी टेबल वाला पोर्शन आपने कर लिया कंज्यूमर सर, सरप्लस जो है दे आर वेरी मच रिलेटेड ठीक है डिमांड कर्व जो है वो बहुत कुछ डिपेंडेंट है ऑन द कंज्यूमर सरप्लस क्योंकि सरप्लस कैसे होगा ऑन द द डिमांड ऑफ कमोडिटी राइट ये वाला पोर्शन अपना हो गया ये पोर्शन मैंने डिस्कस कर लिया प्राइस डिप जब भरता है वाला पोर्शन मैंने डिस्कस कर लिया एप्लीकेशन वाला पार्ट आप लोग कर लीजिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है दिस वॉज द कार्डिनल अप्रोच ठीक है आई होप यहाँ तक आपके कार्डिनल अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ठीक है डाउट नहीं है ना कंज्यूमर कार्डिनल अप्रोच में तो कंफर्म कर दो तो पहले फटाफट मेरे को कार्डिनल अप्रोच में कोई डाउट नहीं है तो ठीक है कार्डिनल अप्रोच क्लियर आई थिंक वो स्ट्रांग पॉइंट भी था आप सबका नेक्स्ट इज वॉट ऑर्डिनल अप्रोच ठीक है नेक्स्ट क्या है आपका ऑर्डिनल अप्रोच उसके तहत आपके पास में दो कर्ज आता है इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन ठीक है दो कर्ज आता है आपका इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन सेम ही है कार्डिनल अप्रोच में भी हमें कहा पहुंचना था अल्टीमेटली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ठीक है सिमिलरली ऑर्डिनल अप्रोच के तहत ठीक है अब वो क्यों आया था क्या है इसके बारे में डिस्कस नहीं करा बिकॉज एक दिन पहले हमारे पास उतना वक्त नहीं कि हम एक्सप्लेन करें पूरे पार्ट को ठीक है बट ऑर्डिनल अप्रोच में अल्टीमेट गोल क्या है सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए वहां पर हमें चाहिए था क्या क्या चीज यूटिलिटी

फूड एंड क्लोदिंग का एग्जाम्पल लिया था जिसके तहत हमने देखा था कि, कि किसी भी कॉम्बिनेशन में ठीक है हम लोगों ने फूड एंड क्लोदिंग को कंज्यूम किया था हमारा किया था हमारा लेवल बिल्कुल क्या सेम सेम या फिर ठीक है तो यानी कि सर एक को कंज्यूम करने के चक्कर में दूसरा वाला को क्या करना पड़ेगा सर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यानी कि आप ये बोलना चाहते हो कि सर एक को बढ़ाने के चक्कर में दूसरा को कम करना पड़ेगा हेन्स इन कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व

अगर हम लोग एक कमोडिटी को सैक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे कमोडिटी के लिए तो उसके पीछे कुछ लॉजिक तो होना पड़ेगा वो लॉजिक क्या है सर हम लोग एक कमोडिटी को दूसरे से कब करेंगे जब हमें लगेगा कि दूसरा वाला जो है वो हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है इन कंपेरिजन टू वॉट पहले वाला सही बात है ना बिल्कुल यहाँ पे हाँ सर बिल्कुल सही बात है तो अल्टीमेटली आप क्या ये बोलना चाहते हो कि एम और एमयू के बीच में रिश्ता है हाँ सर क्योंकि जो गिव अप है वो होता ही किसकी वजह से है एम यू की वजह से बराबर कि हमें जो सामान में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं कमोडिटीज़ को बराबर तो एम आर एस ऑफ एक्स कॉमा वाई का एक रिलेशनशिप है किसके साथ में एमयू के साथ में वो कैसे निकालते हैं सर हम लोग एम आर एस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वर्ट एमयू एक्स बाई एमयर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वर्ट एमयू एक्स बाई ठीक है ओके सर इंडिफरेंस कर्व कर्व क्या है है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ध्यान केस नंबर वन में सर क्यों, क्योंकि नॉर्मल केसेस में क्या होता है केसेस में एस जो है वो फॉल होता रहता है केस ऑफ फूड एंड क्लोथिंग जहाँ पे क्या होता है सर जो इनिशियल गिवअप है आपका इनिशियल गिवअप जो है वो ज्यादा होता है फिर धीरे धीरे

टिसफैक्शन जो जब, जो इंडिफरेंस कर् सबसे ऊपर में है, उसको ज़्यादा ज्यादाफेक्शन मिलता है ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या है सर वन इन डिफरेंसो डाउनवर्ड ओरिजिन ड्यू टू वट ड्यू टू एम आर एस क्योंकि सर एक को बढ़ाने के लिए तो को क्या करना पड़ेगा गिवअप करना पड़ेगा दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था सर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्विस्ट ओरिजिन मोस्ट ऑफ द टाइम इज कन्विस्ट ओरिजिन बट आपको मैंने इसका एक्सेप्शन दे दिया है ठीक है अब बात यह है सर इसके दो दो केसेस दिया है देखिए अगर दो गुड्स जो है 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 परफेक्टली ठीक अगर दो गुड्स जो है परफेक्टली है तो दे विल बी स्ट्रेट सी बात मैंने बताया था आपको कि अगर दो गुड्स परफेक्टली सब्सिट्यूट से मतलब एक दूसरे को आप रिप्लेस कर सकते हो चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो बात बिल्कुल क्या है बराबर उस केस में क्या है आपका इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन तो इन डिफरेंस का विल बी अ स्ट्रेट लाइन आपको याद ही होगा जहां पर मैंने दिखाया था आपको देखो यहाँ पे जब गिव अप जो है बिल्कुल कॉन्टेंट रहता है देखो यहाँ पे

ठीक है तो इसमें भी सिंपल सा बात है सर क्योंकि मेरे पास बजट तो लिमिटेड है मेरे पास सौ रुपए अगर बजट है ठीक है अगर मेरा सौ रुपये बजट है तो मैं एक को परचेज कर सकता हूँ अगर मैं एक का परचेज को बढ़ाऊंगा तो मेरे को दूसरा का बजट क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा बात है मेरे को एक का बजट को बढ़ाने के लिए दूसरा को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा बजट लाइन इज ऑल्सो वट और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर क्योंकि आपको करना पड़ेगा ये जो है है तो तरीके से हो सकता प्राइस के हिसाब से ठीक है या फिर क्वालिटी के हिसाब से ठीक है क्योंकि आपका जो सैक्रीफाइस का क्राइटेरिया है जो है वो तो वैसे ही होगा बट क्योंकि सैक्रीफाइस है उसके तहत दो क्राइटेरिया बन जाता है एक है प्राइस एक है क्वालिटी अगर आप निकाल निकाल रहे इन प्राइस रहे हो हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस ठीक है तो उसको बोलते हैं सैक्रीफाइसआर मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज ठीक है MRA, exchange, और अगर आप ये क्वालिटी के हिसाब से निकाल रहे हो उसको अपन बोलते हैं स्लोप ऑफ द बजट लाइन सीधी सी बात है क्योंकि सामान के प्राइसेस क्या रहते हैं कॉन्सेंट रहते हैं तो हमेशा गिवअप रहेगा वो हमेशा कॉन्सेंट रहेगा अगर कोई सामान का दाम पांच रुपया है दूसरा वाला सामान का दाम दस रुपया है तो रेशियो हमेशा क्या होगा सर वो अगर अगर मुझे को बी खरीदने का है तो मुझे हमेशा दो ए को गिव अप करना पड़ेगा हेंस द द विल विल ऑलवेज ऑलवेज बी बी तो इसमें क्या होता है सर जैसे इंडिफरेंस कर्व में तो क्या था शुरू शुरू में आप ज्यादा गिव अप कर रहे थे बाद में आप कम गिव अप कर रहे थे राइट शुरू शुरू में आप ज्यादा गिव अप कर रहे थे बाद में आप कम गिव अप कर रहे थे बट इस केस में क्या है सर सर इस केस में तो टेंशन ही नहीं है इस केस में क्योंकि प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है तो गिव अप हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट हेंस बजट लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन ठीक है देखो यहाँ पे

ठीक है दो कमोडिटीज था वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का बजट को बढ़ा दिया तो इसको बोलते हैं रोटेशन यहाँ पे देखिए इसका जो बजट है वो तो बढ़ा ही नहीं से से चॉकलेट का और मैदा का बजट क्या हो गया बढ़ गया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन रोटेशन ठीक है तो दिस वाज द बजट लाइन ठीक है एंड दोनों ही अगर हम लोग दोनों कर्व्स को किसको किसको सर बजट लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है आपका बजट लाइन है और ये कौन सा कर्व है सर आपका इन डिफरेंस कर्भ इन दोनों को अगर हम ने एक ही स्ट्री में प्लॉट किया एंड जिस पॉइंट में इन डिफरेंस कर्व एंड ठीक है इन डिफरेंस इज वॉट टैंजेंट टू द बजट लाइन ठीक है द पॉइंट एट विच इन डिफरेंस इज टैंजेंट टू द बजट लाइन टैंजेंट का मतलब क्या हो गया छू के चला गया राइट छू के चला गया उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे इट बी कंसिडर एज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स

डिफरेंस आइसोकॉस्ट इज कॉस्ट इज सिर टू वर्ड लाइन में तीन तरीका है ठीक है सर कौन सा कौन सा सर सर कंज्यूमर इक्विलने का देखा जाए तो दो है ठीक है अगर डिमांड सप्लाई कर को डिटरमाइन करता है दो तरीका कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच

प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए कि क्या आप लोग ठीक है जितने भी लोग कर रहे हैं ठीक है अज्यूमिंग ठीक है अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपका डिमांड सप्लाई एंड चैप्टर नंबर वन इज सॉर्टेड ठीक है आपका चैप्टर नंबर वन का रिवीजन इज देयर इन द ऐप ऑल्सो ठीक है इट इज इन दूट्यूबो आई अपलोडो डोट वरी ठीक है अपलोड कर दूंगा अलग से ठीक है इट इज अराउंड ट्वेंटी का है one, तो अगर चैप्टर नंबर वन वहां से आप दे सकोगे रिविजन का ठीक है और डिमांड एंड सप्लाई क्या आप लोग मैनेज कर पाओगे वैसे तो इसका भी रिविजन दिया हुआ है बट डिमांड सप्लाई क्या मैनेज कर पाओगे मुझे कंफर्म कर दीजिए थी डिमांड सप्लाई जो है आराम से खुद मैनेज कर पाओगे ठीक है तो अगर आपका ये चीजें क्लियर है डिमांड सप्लाई वाला पार्ट क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार रिपीट कर दिया डिमांड सप्लाई क्या होता है ठीक है अगर क्लियर नहीं है तो फिर डिस्कस करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं डिमांड सप्लाई अगर आप मैनेज कर पाते हो ठीक है क्या होता तो है सर डिमांड में फटाफट बता दो डिमांड में क्या है सर सर मीनिंग ऑफ डिमांड बताया है कि सामान को कितना डिमांड करना चाहते हैं हम लोग ठीक है इट इज अ फ्लो सो ऑफ डिमांड है कुछ प्राइस ऑफ द बिटवीन प्राइस एंड क्वानिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऊपर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सबसे गुड्स उनके हिसाब से क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है डिस्पोजेबल इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनफीरियर एसेंशियल कमोडिटीज एंड कैपिटल गुड्स प्रेफरेंस में कई सारे डेमोस्ट्रेशन था वेबलन इफेक्ट था कुछ कुछ पॉइंट्स था अगर आपको दिमाग में सेट हो रहा है ऐसा पॉइंट याद आ रहा है तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है लॉ ऑफ डिमांड क्या था सर आपका द देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ शेड्यूल डिमांड कर्व करकेट डिमांड कर डिमांड कर्व

अगर नहीं कर पाओगे तो भैया मैं करवाऊ पाऊंगी मां हो जाएगा डिमांड वाला पोर्शन, डिमांड सप्लाई जो बेसिक्स है वो हो जाएगा कंफर्म करो प्लेस फटाफट सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई वाला पार्ट है मूवमेंट्स वाला पार्ट है शिफ्ट वाला सप्लाई का शिफ्ट वाला डिमांड का ये सब भी पार्ट है ठीक है तो कई दफा ये रिपीट तो हो चुका है मेरे हिसाब से इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग डिमांड सप्लाई वाला पोर्शन देख लोगे ठीक है नेक्स्ट ठीक है आइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पोर्शन में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रेलिवेंट ठीक है एंड हमारा डिस्कशन का आज का लास्ट टॉपिक ठीक है काफी कुछ कवर कर दिया हमने चैप्टर नंबर वन का बैकअप आपको हाथों हाथ एक्ट क्लास के बाद मैं अभी अपलोड कर दूंगा स्टेट लेने की वाली कोई बात नहीं है वहाँ पे चैप्टर नंबर फोर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया थ्री है आपको और ये भी कई दफा हो चुका है बोलकर मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ इन टॉपिक्स को डिमांड सप्लाई इज ओनली टॉपिक दैट आई एम ट्राइंग टू टू टेल यू मैनेज ताकि आप लोग का हो जाए इफ यू स्टिल अ डाउट विल टेक अप सेशन टुमारो ठीक है एंड जो लास्ट टॉपिक आज का हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर ऑब्लिक सप्लाई ठीक है दोनों सेम है सप्लाई का मतलब चेंज होने की वजह से डिमांड में या फिर सप्लाई में चेंजेस आता है अगर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड या फिर सप्लाई में चेंजेस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बगैर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देता हूँ ताकि इजी रह जाए बोलने के लिए

ठीक है ओके या ठीक है तो मुझे बताइएगा अब ये हो गया प्राइस प्राइज ऑफ डिमांड इसके कुछ बेसिक बेसिकॉम सम्स थे आपके जो भी आपने प्रैक्टिस किया तो अगर आपको बाई दिमाग से निकल गया प्रैक्टिस प्रो थ्री और फोर सम्स दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम्स ठीक है फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ डिमांड कभी कभी क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आपको एक पॉइंट दे देगा और आपको बोलेगा सर इस पॉइंट कैसे निकालते हैं अपर सेगमेंट ठीक है, segment, है? Example, वाला को लेंगे तो यहां का लोअर सेगमेंट को कैलकुलेट किया यहां से अपर सेगमेंट को कैलकुलेट किया तो का वैल्यू देख रहे हो ईडी विल बी व्हाट 1 अगर इस पॉइंट को ने लिया यहां से लोअर सेगमेंट देखिए इसका वैल्यू ज्यादा है इसका वैल्यू क्या है? कम है? यानी ऊपर का वैल्यू ज्यादा है जादा

उसी के तहत एक और आया जो था कि आपकी आर्क आपका, था। याद करिए पहला फॉर्मुला में जब हमने परसेंटेज चेंज इन क्या निकाला था क्वांटिटी डिमांडेड बराबर तो हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग इसको सर जो भी नया क्वांटिटी डिमांडेड है माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड डिड बाई

ठीक है है पहले 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 क्या था? पहले क्या था पहले क्या था अगर किसी को हो रहा ओरिजिनल क्वालिटी मैंने आपको बोला कि खाली ओरिजिनल क्यू नया भी तो ले सकता है अब P1 वन बाई क्यू वन वो भी गलत है तो मैंने क्या किया दोनों का एवरेज ले लिया ठीक है मैंने क्या किया P0 वन पी जीरो पी वन डिवाइड बाई टू कर दिया

सर so, उसमें क्या है सर आप प्राइस कुछ भी सेट कर लो आपका डिमांड क्या रहेगा बिल्कुल कॉन्सेंट रहेगा आपका डिमांड क्या रहेगा बिल्कुल रहेगा यहाँ पे ईडी परफेक्टली इन इलास्टिक का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस आप कुछ भी सेट कर लो डिमांड बिल्कुल कॉन्सेंट रहेगा सर अगर थोड़ा प्राइस चेंज करने के बावजूद भी थोड़ा प्राइस चेंज करने के बावजूद भी डिमांड में अच्छा खासा फर्क पड़ेगा तो वो क्या होगा सर ईडी सॉरी इज वॉट ईडी इज मोर देन वन वहां पे चार्ट हमेशा क्या रहेगा सर डिमांड का हमेशा फ्लैट रहेगा आप इसको जो मैंने बोला है उसको सप्लाई में भी कर देना

हाँ. टोटल आउटले मेथड इसी से कर लेते इसमें सर टोटल आउटले या फिर टोटल रेवेन्यू मेथड जो है बात बिल्कुल सेम है क्योंकि किसी का खर्चा तो किसी का क्या है सर रेवेन्यू इसमें क्या दिया हुआ सर सर अगर मेरा प्राइस चेंज होने की वजह से मैं टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना चेंज होता है अगर मेरा प्राइस चेंज होने से पहले के हिसाब से अगर मेरा एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा सर इट इज मोर देन वन बराबर इट इज वॉट मोर देन वन ठीक है इसमें एक्जाम्पल दिया हुआ देखो ये वाला पहला सिचुएशन में क्या हुआ सर प्राइस चेंज की वजह से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया बढ़ गया तो ये क्या होगा मोर देन वन अगर प्राइस चेंज की वजह से मेरा खर्चा पहले से कम हो जाएगा टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल कॉस्ट जो है वो क्या हो गया कम हो गया तो वो क्या होगा लेस देन वन अगर प्राइस चेंज की वजह से कॉस्ट बिल्कुल या फिर रेवेन्यू बिल्कुल सेम रहा तो इसको क्या बोलेंगे अपन इक्वल टू तो ये हो गया टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि प्राइस चेंज की वजह से टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल कॉस्ट जो है उसका क्या रिएक्शन होता है अगर प्राइस चेंज की वजह से कॉस्ट या फिर रेवेन्यू बढ़ गया है तो मोर देन वन अगर कम हो गया तो लेस देन वन और अगर इक्वल रहा तो इक्वल टू वन ठीक है डिटर्मिनेंस वाला काम याद है देखो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स डिटर्मिनेंस मतलब एप्लीकेशन ठीक है आपको ध्यान का रखना है सबको ध्यान यही रखना है कि सर अगर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में अच्छा खासा फर्क पड़ेगा इट विल बी वट हाईली इलास्टिक या इलास्टिक अगर उतना फर्क नहीं पड़ेगा लेस इलास्टिक बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इन इलास्टिक ठीक है सर कई सारे थे अगर दो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स है रियलमी रेडमी तो प्राइस चेंज करने से एक दूसरे का डिमांड में फर्क पड़ेगा राइट इट विल बी नोन एज वॉट हाईली इलास्टिक अगर कुछ सामान का दाम बहुत ज्यादा है ठीक है एसी पीछे ना पीछे ए सी दिख रहा है आपको ए सी का डिमांड बहुत ज्यादा दाम बहुत ज्यादा है तो मैं इसको खरीदने से पड़ेगा, मुझे, प्राइस से मुझे पड़ेगा, इस केस में क्या होगा तो विल बी हाई वही अगर सोचो मैं मैच का डब्बा लेता हूँ ठीक है पूजा करने के लिए ठीक है अगर मैं मैच का डब्बा लेता हूँ पूजा करने के लिए क्या मुझे प्राइस से कुछ फर्क पड़ेगा दी आंसर इज वॉट नो तो वहाँ पे ईडी लेस देन ठीक है है तो आपको ये सिर्फ एप्लीकेशन करना है कि उसके तहत अगर मैंने प्राइस चेंज किया तो मेरे डिमांड में फर्क पड़ेगा अगर हाँ बहुत फर्क पड़ेगा तो हाईली फर्क पड़ेगा इलास्टिक तो पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा, या फिर, नहीं, जीरो है तो इन इलास्टिक समझ में नेक्स्ट इनकम इलास्टिटी ऑफ डिमांड सर इसमें क्या निकालना सर इनकम इलासिटी ऑफ डिमांड में सर इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आया है तो चेंज इन इनकम ऊपर क्या चेंज इन सर इनकम चेंज होने की अगर जीरो मतलब, मतलब क्या हुआ इनकम बढ़ा तो डिमांड यानी वो कौन से नेचर ऑफ गुड्स के बारे में बता रहा है नॉर्मल गुड्स वो अगर इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो गया मतलब कौन से नेचर ऑफ गुड्स के बारे में बता रहा है इनफीरियर गुड्स वेरी गुड ये के लिए आता है क्वेश्चन ठीक है तो इनकम चेंज होने से अगर डिमांड बढ़ेगा उतना ही रहेगा तो सेम कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पहले से बढ़ गया तो क्या होगा नॉर्मल गुड्स और अगर कम हो गया तो क्या होगा इनफीरियर गुड्स नेक्स्ट टाइप क्या है आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि क्या रहेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे क्या था सेम कमोडिटीज का प्राइस और सेम का डिमांड के बारे में बात कर रहे थे बराबर इसका प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा बट इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या समझ में आया आपको कि सर

वापस रिपीट सॉरी ठीक है अगर दो गुड्स है सोचो रियलमी एंड रेडमी है अगर रियलमी के प्राइस कम या बेसी करने की वजह से रेडमी के प्राइस में अगर डिमांड में फर्क आएगा रेडमी के डिमांड में फर्क आएगा तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आपको यानी कि दो अलग अलग नेचर के गुड्स है आपस में ऑब्वियसली रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या सब्सिड्यूट गुड्स हो दोनों आपस में रिलेटेड है राइट और एक के प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे कमोडिटी का डिमांड में अगर चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं

कि आप किसी को भी आप चाय की जगह कुछ और पी लिया और वो फीलिंग ही नहीं हुआ कि चाय नहीं पिया मैंने तो अगर ईडी क्या होगा Infinite. बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्लीज अगर आपको नहीं याद है ये वाला part, तो वाला ये वाला 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 पार्ट 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 तो रिपीट कर दीजिएगा दीजिएगा मुझे डाउट सेक्शन में लिख को को मैं इस वाला को से आपको समझा दूंगा ठीक है अगर दो गुड्स जो है वो क्लोज सब्सिट्यूट है मतलब अगर दोनों परफेक्ट सब्सिट्यूट है तब क्या होगा इट विल बी वॉट इनफाइन अगर क्लोज है तो क्या होगा इट विल बी पॉजिटिव एंड लार्ज अगर नॉट सो क्लोज है तो क्या होगा स्मॉल टोटली अनरिलेटेड तो क्या होगा आपका जीरो दीपिका माधोकोण और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो क्या होगा जीरो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हैं तो वैल्यू क्या होगा नेगेटिव ये मैंने ऑलरेडी चार्ट के हिसाब से देख लिया था ठीक है और अगर सब्सिट्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा ये आपको देखना है इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा प्लीज एक बार रीड करेगा उसको के मत जाएगा ठीक है एडवर्टीजमेंट एज द वर्ड सजेस्ट किया है आपका सर एडवर्टीजमेंट के खर्चा चेंज करने की वजह से आपके डिमांड में कितना फर्क पड़ता है एडवर्टीजमेंट आपने किया खर्चा चेंज किया आपने और उसकी वजह से डिमांड में फर्क आया चेंज आया तो क्या होगा मोर देन वन उतना नहीं आया लेस देन वन उतना ही रहा इक्वल टू वन डिमांड फोरकास्टिंग क्या है सर आप लोग जब भी डिमांड को प्रेडिक्ट करते हो तो कई सारे टूल्स को यूज करते हो कई सारा फोरकास्टिंग मेथड्स को यूज करते हो क्योंकि डिमांड को फोरकास्ट करना जरूरी है उसी के तहत हम लोग जो है डिमांड का प्लानिंग कर सकेंगे ठीक है थेके? इस प्रोसेस को बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग ठीक है कई सारे फैक्टर्स है जो कि डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं इस वाला पार्ट को एक बार आप लोग देख लीजिए ठीक है बिल्कुल डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो अपलोडेड इन द चैनल ठीक है तो इफ यू टू रिपीट द वाला पोर्शन था वन का लेक्चर जो है, है अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए तो आप लोग के लिए बिल्कुल सभी चीज जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स इन जनल में आसानी हो जाएगी उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मुझसे छूट गया बिकॉज आई कैन टीच यू मोर चैप्टर्स बट आई फील की अब अगर मैंने और आपके अंदर दिमाग में डाला

ठीक है वन प्रेथ में डायरेक्टली मैंने करवाया आप लोग को ताकि आपका टाइम मिनिमम वेस्ट हो सके ठीक है आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल एंड येस आई विल बी देन स्टे ट्यून्ड ठीक है आप लोग अपने एम सी क्यूज को प्रॉपरली करिएगा एंड मेक श्योर ठीक है पेपर के क्वेश्चंस जो है पेपर के क्वेश्चंस जो है उसको दस बार पढ़िएगा दो बार तो एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा दस बार तो मत पढ़िएगा दो बार पढ़िएगा क्वेश्चंस को और ध्यान से पेपर पढ़िएगा और नर्वस मत होगा पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली थोड़े कॉम्प्लीकेटेड आएंगे आपने कई सारे सैम्पल पेपर्स कर लिए हैं तो डोंट वरी अबाउट इट आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली अच्छा पेपर दोगे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबड स्टिल यू हैव एनी डाउट्स आई एम ऑलवेज देर एंड टेक केयर एवरीबडी बाय बाय